हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौराष्ट्र। आप देख रहे हैं इस समय पे एक सिंधु पेज में फ्री यस डिस्कस आई पार्ट टू। कैन यू यस हियर रक्षित? या यस यस ओके। भाई भगत भी अजीब है भाई। तो आप मैं देख शर्म नाम की कोई चीज सकते है भक्त में? हैं। देखिए, भक्त जो है, आपको मैंने एक चार्ट दिखाया था। अभी अभी मैं अमीना के चैनल में देख रहा था कि वो एक बंदा है, शुभम पांडे, कह रहा था लॉन्ग लिव आर्य समाज, लॉन्ग लिव आर्यवर्त, इंडिया विल बी आर्यवर्त। तो एक एक्स मुस्लिम पेज में जहां डिस्कशन हो रहा है बिल वार्नर के साथ, वो भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, बिल वार्नर जो है उसको 50 इयर्स ऑफ स्टडी है इस्लाम पे। वहां के बंदा कहता है कि भाई हमारा एक अपोजिट, उसका काउंटर अपोजिट हम एक बनाएंगे। देखिए, रिलीजन जो है ये अपने आप में एक नशा है। जो भी आप बिलीफ मानते हैं, आप जो बिलीफ है वो डिटरमिन करता है आप कौन सा वे ऑफ लाइफ जीते हैं, कैसे जीते हैं। ठीक है, तो जब तक डॉगमा और बिलीफ पुराने डॉगमा रहेंगे, तब तक प्रॉब्लम बना रहेगा सोसाइटी में, ये बदलने वाला नहीं है। तो ये तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। अब अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो सोसाइटी है वो हमेशा से देखोगे तो कभी बदला ही नहीं था। ये तो कहते विवेकानंद ने आके बदला ये किया, बट विवेकानंद तो कास्टिज्म को सपोर्ट करता था। वो जो था वो इसको भी मानता था, चाइल्ड मैरिज को मानता था, वो तो मानता था प्योरिटी ऑफ वो तो मानता था तुम्हारा प्योरिटी ऑफ क्या कहते हैं विमेन। ठीक है, मतलब अपवित्र विचार नहीं होना चाहिए, चेस्टिटी। तो इसको वो आइडियल बनाने के लिए वो बोलता है सीता इज द आइडियल नेशनल आइडियल फॉर द इंडियन वुमेन, उनके जैसा ही होना चाहिए। मतलब तुम समझ रहे हो सीता के लाइफ में क्या हुआ था। तो इनडायरेक्टली विवेकानंद कह रहा है जैसे सीता ने जो भी झेला सुख दुख, इंडियन वुमेन को भी ऐसे ही झेलना है, और उसको बस पति की सेवा करनी है। उसको उसके अलग कोई इंडिपेंडेंट सोच रखने की जरूरत नहीं है, ये कहता है इनडायरेक्टली। अगर हम थोड़ा इंटरप्रेट करके अकल लगा के देखें तो ये पता चलता है भाई। वो कहता है कि शस्त्र भी उठाओ, बट साथ ही ये कहता है पवित्रता भी करो। तो ये जो है थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि भाई शस्त्र भी उठाने को बोलते और बाद में भी भाई नॉट इंडिपेंडेंट थिंकिंग। क्यों वो एक स्वतंत्र विचारधारा नहीं बन सकती है? ठीक है, और जब स्वतंत्र विचारधारा की बात आती है तो बोल देता है कि हाँ पहले गार्गी था, ये था, तो अगर पहले था तो आज क्यों नहीं हो सकता? आज हम लोग क्यों कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो पंडित पुजारी वो कहते हैं कि औरतों को घर में ही रहना चाहिए, क्यों कहते हैं भाई? वो क्यों नहीं कहते कि भाई तुम भी इंडिपेंडेंट विचारधारा बनो, तो गार्गी बनो, तुम मैत्रेयी बनो, ये बनो। तो क्या हम समझ सकते हैं आज का मॉडर्न एजुकेशन ले लेते अगर वुमेन, तो क्या वो उनके इक्वलेंट नहीं बन पाएगी? अगर गार्गी और वो मैत्रेयी जो थी उस समय का एजुकेशन लिया, उस समय तर्क वितर्क किया, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स किया, तो क्या आज मॉडर्न एजुकेशन लेके उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स नहीं कर सकती फिर? तो यही हमें समझने और समझाने की जरूरत है। दूसरी बात देखो ना, मजे की बात तो देखो, कोई कहता है कि मैं सांड था, कोई कहता है कि मैं कुछ भी था। तो अगर इनका लॉजिकल थोड़ा अकल करे तो हम क्या इसी लॉजिक पे आके कहे कि भाई पिछले जन्म में तुम अकबर भी थे, बाबर भी थे, तैमूर भी थे, तुम जो थे वो रावण भी था, दुर्योधन भी था, मान लोगे क्या तुम? तो ये बकवास चीजें हैं। मैं समझता हूं ये जितनी भी ऐसे आइडियाज है जैसे सालों से चला आ रहा है, जैसे री इंकारनेशन हुआ, आत्मा हुआ, और तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ भगवान हुआ, या सृष्टि करने वाला नियंता हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि तो
ये सारी बिलीफ है जो है उस समय शायद लड़, आपको पता है वो तो कहते थे कि भाई घोड़े पे बैठ के आएंगे, तलवार पे बैठ के आएंगे, बड़े आज देखिए आज तो बड़े बड़े गाड़ियां हैं तो घोड़े पे कौन चलाता है भाई। तो इस समय उसे आप समझ सकते, जो ऑथर ने उस समय लिखा होगा टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, तो इसलिए कहता कि घोड़े पे बैठ के तलवार लेके अस्त्र शस्त्र लेके चलेगा और वो जो है अधर्मियों का नाश करेगा। जबकि आप देखेंगे, जबकि आप देखेंगे कि आजकल जो ये हो रहा है, आजकल तो गाड़ियां चल रही है, तो बताइए भाई कौन कल के अवतार आएगा, कोई नहीं आने वाला, ये भी बकवास। दूसरी बात, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग बोलता है, कलयुग बोलता है, ये चारों भी बकवास है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप अगर ये कहता है सत्ययुग जो है 17,28,000 ईयर्स ओल्ड है, त्रेता युग जो है 12,96,000 ईयर ओल्ड है, और ये जो द्वापर युग है ये जो 8,64,000 ईयर ओल्ड है, और कलयुग 4,32,000 ईयर ओल्ड है, ये कहता है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो नंबर तुम देखोगे ना, देर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 72, और वो जो 72 नंबर है वो तो इस्लाम में भी है 72 हूर का, क्या कहोगे भाई अब। हाँ, तो 72 जो नंबर है ना, इधर सुनो, 72 जो नंबर है वो ये बताता है तुम्हारा नॉर्थ पोल 1 डिग्री एवरी 72 ईयर चेंज होता है, 1 डिग्री एवरी 72 ईयर चेंज होता है नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, बस अब इसको ये धर्म बुक में रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ कर दिया, बट जैनिज्म बुद्धिज्म को अगर आप उठा के देखोगे तो ऐसा नहीं है, वहां पे अलग से बताया धर्म और लाइफ कैसे जीना है वो अलग से बताया है, और आपको ये जो बातें हैं ये अलग से बताई गई है, डिस्कशन हुआ है। तो आप ये देखते हो ना कंट्रास्टिंग प्रॉब्लम यहाँ पे, ये कंफ्यूजन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है ये दिखाने के लिए कि भाई 72 जैसे एक नंबर है याद रखो। अब वो किस लिए याद रखना है, इसलिए क्योंकि ये इक्विनॉक्स है, बस इसको याद रखने के लिए बनाया गया है, ये और कुछ नहीं है। ये लोग बकवास करता रहता है भाई, कलयुग आ गया तो पापी हो गए, द्वापर युग आ गए तो सच्चा हो गया, त्रेता युग था तो परशुराम ने अपनी माता को क्यों मारा भाई, अपनी माता का गर्दन उड़ाया था, आज सब कह रहे परशुराम जयंती परशुराम जयंती। अरे परशुराम से बड़ा डिक्टेटर कोई था ही नहीं, ही वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए डिक्टेटर। ये तो देखो तुम, उसने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया, 21 टाइम्स उसने लेकिन लेकिन लैंड लेकिन के, लेकिन लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न हो जाता है, 21 बार किया तो फिर से कौन जन्म दिया भाई क्षत्रियो को? तो यही मतलब तो उसको तो ये, क्षत्रियो हाँ को तो उस काट के तो उसका मिटा दिया था उसका भी क्या? एक कहानी है, उसका भी एक कहानी ये मेरे को नहीं है पता। कि पर कहानी कुछ लोग बताते हैं, बहुत लोग नहीं है, बट जितना मैंने सुना है मेरे नहीं, पापा से मेरे मेरे परिवारों से। को हाँ रेफरेंस चाहिए, पुराण से रेफरेंस चाहिए, पुराण या ब्राह्मण ग्रंथ से रेफरेंस चाहिए, क्योंकि पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ पे कहीं नहीं लिखा क्षत्रियो को मारने के बाद उसको फिर से जीवित किया गया, हाँ कहीं हाँ पर भी लिखा हाँ नहीं है। मार जीवित तो नहीं किया गया, बट ये बात आता है जो लैंड था ना, अब ये जो है केरला का एक मिथ है, पॉपुलर मिथ है केरला में, कि उनका जो लैंड बना है वो परशुराम ने बनाया भाई, केरला और कोंकण कोस्ट का जो भी लैंड आता है ना आज, वो सब बनाया था परशुराम ने भाई, ये आके कहता है। आपको पता है, आपको ये भी बता दो, जो चित्पवन ब्राह्मण ने ना, वो कहता है हम लोग सात बोट्स में बैठ के आ रहे थे और हम लोग जो थे पड़े हुए थे मरे हुए समुद्र के तट पे, तब एक ब्राह्मण आया उसने हमको जीवित किया जिसे हम परशुराम कहते हैं, और उनसे हमने पाया चित पवन। चित का अर्थ होता है मन, पवन का अर्थ होता है, पवन का अर्थ होता है पवित्रता, तो हमारा मन पवित्र हो गया उनके आशीर्वाद से, उनके स्पर्श से। ये कहानी बताते चित पवन ब्राह्मण में, ये पॉपुलर लेजेंड है, ये एक लेजेंड है, ठीक है, ये पॉपुलर कहानी है उनमें। तो ये लोग कहता है और ये बोलता है जितना भी मैंने लैंड दे दिया लिया था ना राजाओं को मार के, वो लैंड जो था मैंने ब्राह्मणों को दे दिया, ब्राह्मणों को दे दिया, और मैंने लोग जो थे शूद्रों में बांट दिया, ब्राह्मण उनको दे दिया, शूद्रों को उनकी सेवा में लगा दिया, ये कहता है। बट ये कहीं नहीं आया कि भाई कौन कौन से राजाओं को मारा, कैसे मारा और क्यों मारा, और उसके बाद ये जो सूर्य वंश आया जहां राम पैदा हुए, मिथिला का राजा था, उनका क्या हुआ, क्या उन पे कोई अटैक नहीं हुआ था परशुराम का, ये सवाल उठता है। तो ये तो सोचने वाली बात है ना,
मतलब कहीं रेफरेंस नहीं है कि परशुराम जाके मिथिला पे अटैक करता है, अयोध्या पे अटैक करता है वो, बट बहुत जगह बता देता है कार्तिक वीर अर्जुन को मारा, बट उसके बाद उसके बेटों को मार देता है। बट अगर आप देखेंगे उसके बाद वो सिर्फ इतना कहता है, पौराणिक कहानियां, 21 बार उसने धरतियों को राजा के विहीन कर दिया भाई। अब वो कौन कौन से राजा थे, क्या क्या उनके अपराध थे, क्या किया था उन्होंने जो इसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने पूरे राजा के जो डायनेस्टी ही थी खत्म कर डाला उसने। क्या किया था उसने, तो ये तो कहीं नहीं दिया है रेफरेंस डिटेल में, तो ये वह होता है प्रॉब्लम। इसलिए ना मैं कहता हूं पौराणिक ग्रंथ को जो है निकाल के फेंको, पौराणिक ग्रंथ को भी त्याग दो। पौराणिक ग्रंथ जो है जितने भी है, चाहे भागवत पुराण हो, विष्णु पुराण हो, शिव महापुराण हो, लिंग पुराण हो, वायु पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, ब्रह्मांड पुराण हो, और देवी भागवत पुराण हो, ठीक है, ये सारा जितना भी है सिर्फ कहानियां हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तुमको पता है बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया कि जात कैसे बनता है भाई, पूरा का पूरा जो फर्स्ट टू चैप्टर्स आता है चैप्टर्स में पूरा जाति के बारे में लिखा है आपका, कि अवैध नारियों से मैं शादी तो करने का क्या बोलूंगा जाति भाई, सुनो होती सुनो, है। पुरानों से सुनो 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 सुनो, तुम पुराने से जितने भी गृह सूत्र है ना, ब्राह्मण ग्रंथ गृह सूत्र, जैसे गौतम गृह सूत्र, अश्वलंकार गृह सूत्र, जितने भी गृह सूत्र है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इनको तुम पढ़ो, तुमको एकदम और भी अच्छे डिटेल से मिल जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ में ज्यादा डिटेल्स हाँ है पुराणों से, क्योंकि देखो भाई, वेदों हाँ के बाद हाँ सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ आता है वो ब्राह्मण। ये कल कल मैंने गौतम गृहस्थ का नाम बोला, वो बंदे को ये पता ही नहीं है का कौन सा ग्रंथ है, सुना ही नहीं है भाई मैंने तो, चलो ऐत्रेय तो ब्राह्मण सुना, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में शतपथ पता ही ब्राह्मण नहीं। सुना मेरे को है लगता है मैंने, ये लोग मैंने ऐत्रेय सुना ब्राह्मण है जो बट मेरे ग्रंथ को है पता नहीं है, इसको भी बट नाम आपको नहीं तो सुना। पता है। हाँ अरे बहुत लोग जो जो सुना है ना हिंदुइज्म में, सिर्फ भगवत गीता सुना है, भागवत महापुराण विष्णु पुराण सुना है, और कुछ उपनिषद सुने हैं उन्होंने, चांडोग्य उपनिषद हुए, कलि संतरण उपनिषद हुए, तुम्हारा वो क्या कहते हैं ईसो उपनिषद हुआ, केन उपनिषद हुआ, ये सब के नाम सुने हैं, चांडोग्य उपनिषद हुए, और तुम्हारा कह सकते ये हो उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद, ये ये सब आए हैं उपनिषद को बस। भी ठीक से समझते नहीं। नहीं, ये लोग अरे उपनिषद कोई का नहीं समझता, क्या बट सरमर्म मैं है, एक चीज बताऊं, मुझे क्या चीज है उपनिषद मांडुक्य उपनिषद मैंने पढ़ा है सिर्फ 12 वर्सेस है उसमें, सिर्फ 12 वर्सेस को है, बृहद्रथ छोटा शॉर्टेस्ट उपनिषद है बहुत वो। पसंद है। सुनो सुनो कौन सुनो, सा? बृहद्रथ उपनिषद है ना, शंकर भाष्य, हाँ। बृहद्रथ उपनिषद शंकर भाष्य, उधर गाय हाँ। का मांस खाने के लिए बोला गया है, गाय का मांस खाने बट के ये लिए लोग बोला तो नहीं गया है, मानते। अरे तुम आर्य बेहतर बोले समाज जी तो को बताओ ना, आर्य समाज जी नहीं मानेगा, भाई। इस्कॉन भी आर्य नहीं समाज मानेगा, बोलता मिलावट है भाई, बोल देता मिलावट है इस्कॉन इस भी नहीं चैप्टर पे। मानेगा, इस्कॉन जो है ना इस्कॉन भी नहीं मानता है। इस्कॉन ने हर मंदिर में गौशालाएं खोल रखी है, और वो सिर्फ भगवत भाई गीता जी की, सुनो स्वामी विवेकानंद ने सुनो बोला है भाई, गाय के मांस खाए बिना हिंदू नहीं हो सकता। तो मैं ये कह रहा हूं जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना, वो तो कहा जाता है कि अमेरिका में भी उन्होंने खाया था गाय का मांस, खानी तो ये भी है, शिकागो में स्पीच देने के बाद जब उनको बुलाया गया था वो खाते भी थे, ऐसा भी है कहानियां। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो नहीं पता, बट बताया जाता है, ठीक है, हो भी सकता है झूठ हो या सच हो, आई डोंट नो। ठीक है, तुम बता रहे थे कि बृहदारण्यक उपनिषद शंकराचार्य के भाष्य में यह है, इस्कान वाले को बताओगे वो बताएगा शंकराचार्य मायावादी था, वो नहीं मान सकते, वो मानता है कि हम जो है वो भेदा भेद को मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु के इसको मानते हैं, हमारे में वेजिटेरियनिज्म है, और वो कहते हैं गाय की रक्षा करनी चाहिए। वो कहेगा भगवद गीता एज इट इज पढ़ो, भागवत महापुराण पढ़ो, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत पढ़ो, ये है इस्कान, ठीक है। जबकि आप देखोगे आर्य समाजी का, वो भी डिनाई करेगा, जैसे तुम कह रहे मिलावटी है, आप इनसे पूछिए, अंकुर आर्य से पूछिए, महेंद्र पाल आर्य, राहुल आर्य से पूछिए, ये सब कहेंगे मिलावटी, ये तो बहुत बार मैं सुन चुका हूँ कि रामायण में ये मिलावट है, वो तो उत्तर रामायण और लव कुश के कहानी को भी मिलावट मानते हैं, तो क्या कहोगे, ये सोचो ना।
ये अपना अपना बना बना के कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है बस। मतलब कोई तो मतलब वो जानता करे नहीं तो कौन करे क्या, बोले कॉन्सेंसस तो पे। बोले हाँ क्या। बट इसलिए तो बनता है ना कि रिजेक्ट कर दो भाई पूरे सेट्स को। हर एक सेट अपना अपना बिलीफ रखा है। मैं कहता हूँ हिंदुइज्म के अंदर जितने भी सेट है उन सब में जो कॉमन बिलीफ है उनको भी रिजेक्ट करो, उन सेट के पर्टिकुलर बिलीफ को भी रिजेक्ट करो भाई। पॉइंट तो ये होना चाहिए। तुम्हारा जो शंकराचार्य है ना, कल हम जो डिस्कस कर रहे थे गुलजार के चैनल में कि जो शंकराचार्य है वो क्या कह रहा था, पुरी का शंकराचार्य, तुम्हारा जो गुण है वो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। अच्छा तुम स्क्रीन शेयर कर सकते हो अभी, मैं फोटो दूंगा वही शंकराचार्य का, वो कहानी, वो जो स्टेटमेंट है पुरी नो नो भाई, शंकराचार्य मैं का। तो मोबाइल नो 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 मैं तो अच्छा मोबाइल से अच्छा कर ठीक है रहा ठीक है। हूँ। तो पूरी शंकराचार्य का ये कहना है, तो तुम खुद सोचो ना कि जो बंदा कह रहा है पिछले जन्म के, अच्छा पिछला जन्म में तुम कहते कौन जानता है, ऐसे इन वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना, 7.5 बिलियन, 7.7 बिलियन कह लो होगा उतना, उसमें से कितना पॉपुलेशन है भाई दुनिया भर में जो जानता है कि मेरा पिछला जन्म में मैं ये था, मैं वो किया था, मेरा ये एक्सपीरियंस था, पिछले जन्म में मरने से मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ था। कौन जानता है, कितने लोग है भाई पूरे 7 आउट ऑफ 7.7 बिलियन पॉपुलेशन बताओ। तो ये तो ये सब जो है यहीं पे ये जो मतलब आर्ग्यूमेंट है गिर जाता है। तुम बताओ इजिप्ट। अभी मैंने हम लोगों का जो चैट लिस्ट है कुछ लिंक दिया है, जो दर्शक है। मैंने जो दावा किया था, विवेकानंद जी ने बोला है गाय के मांस खाए बिना कोई हिंदू नहीं हो सकता। ये देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जाए तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उनके बुक बाणी रचना, ठीक है, जितने भी है एकदम मजा लेकर पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए क्या लिखा है अरे स्वामी मैंने ये विवेकानंद ने। लेक्चर पढ़ा है कोलंबाटो अल्मोरा, ये कलकत्ता में बैठ के कुछ और ही कहता है। कलकत्ता में तो बिल्कुल वो कम्युनिस्ट की तरह साउंड करने लगता है, लेफ्टिस्ट की तरह। रामेश्वर में बैठ के तो एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह साउंड करता है, जैसे गरीबों का एनजीओ चला रहा हो। मतलब वो कहता है कि रामेश्वर में शिव की पूजा करने से बेटर है तुम गरीब को खाना खिलाओ, जो भिखारी गरीब है उनको खाना खिलाओ, उनकी सेवा करो, वो शिव का सबसे बड़ा भक्त है, वो शिव के सबसे करीब है, ना कि वो जो मूर्ति पूजा करे रामेश्वर में। ये कहता है तुम्हारा रामेश्वर में, वो लेक्चर देता है। उन्होंने कोलंबो मूर्ति में पूजा आके कहता को है, नकारा है, हाँ उन्होंने मैं वही मूर्ति कह पूजा रहा हूँ को ना, मैं नकारा है, यही कह रहा हूँ ना, अद्वैतवाद रुको रुको को, रुको रुको, अद्वैतवाद को उसने ना फैलाने के लिए विवेकानंद बोला है। के कोट्स में, एक वर्क के कोट्स में, मैं भूल गया वो चैप्टर कौन सा था, बट उसने कहा था वर्शिप ऑफ ट्रीज, वर्शिप ऑफ आइडल्स, वर्शिप ऑफ वुड एंड वर्शिप ऑफ ग्रूव्स आर ऑल प्रिमिटिव वर्शिप्स, ये कहा है उसने। तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रिमिटिव वर्शिप था, ये नहीं होना चाहिए था, ये वो मानता था उसको। और एक कहता था कि तुम इससे बेटर है कि तुम जो भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, तुम वो गरीब में आदमी में देखो, उसकी सेवा में करो, जैसे कि वही भगवान है, वही तुम्हारा सब कुछ है, बाकी क्यों ढूंढ रहे हो भाई। इसका आर्ग्यूमेंट था जब वो मंदिरों में जवाब देता था। लाहौर में आओगे तो उसका स्वागत कौन करता है, आर्य समाज ही करता है उसका स्वागत, यही आर्य समाजी जो उसे गाली भी देता है आज। मैंने खुद पढ़ा है भाई, मेरे पास बुक है अभी भी, मेरे पास ही है, मेरे दादाजी ने खरीदा था वो बुक, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा। तो वहां पे आके ये आर्य समाजी उसका स्वागत भी करता है, और वहां पे वो आज के बिल्कुल राष्ट्रवादी, आज जैसे है ना, अगर कोई आता है तो कह देते कम्युनिस्ट है, लिब्रांडो है, वो है फलाना, वो जो नाम देता है टैग करता रह जाता है। विवेकानंद कहता है हिंदुओं एक हो जाओ, गुरु गोबिंद सिंह की तरह लड़ो, गुरु गोबिंद सिंह का त्याग मत भूलो तुम अपने भाई बंधु का। और वो कहता है जो हिंदू ग्रुप को छोड़ देता है वो तुम्हारा सबसे बड़ा सा ट्रेटर है, ये कहने लग जाता है भाई वहां पे। तो उसका लेक्चर कलकत्ता में कुछ अलग है, रामेश्वर में कुछ अलग है, और यहाँ लाहौर में क्यों कुछ अलग ही बात कह रहा है भाई, तुम कुछ सोचो। और कलकत्ता में आके वो कहता है कि तुम्हें लोगों की गरीबी दूर करनी है, शिक्षा बढ़ानी है, एजुकेट करना है, वेदांत और उपनिषद का जो ज्ञान है घर घर तक पहुंचाना है, ये बातें करता है भाई, जैसे वो मतलब कम्युनिस्ट टाइप का हो वैसा बात करता है।
तो तुम देख रहे हो जहां जहां ये गया ना, अकॉर्डिंग टू पीपल वो जैसा समझता था वही वैसे वैसे बात करता था भाई। कोलंबो का जो पहला लेक्चर आप पढ़ोगे, कोलंबो ट्वालमोरा जो मैंने पढ़ा है, कोलंबो में आके वो यूरोपियन आइडियोलॉजिस्ट को बोलता है भाई, यूरोप में कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, निहिलिज्म है, लिबरलिज्म है, तुम्हारा ये क्या कहते हैं नेशनलिज्म है, बहुत सारे आइडियोलॉजी है भाई। बट यहाँ का किसान, स्पिरिचुअलिटी की जब बात आती है तो यहाँ का किसान वहां के प्रोफेसर और बड़े बड़े टीचर से भी ज्यादा जानता है, ये कहने लग जाता है, कोलंबो में ये बात करता है वो। तो तुम देखो ना, यहाँ का कहीं भी कंसिस्टेंट मैसेज नहीं है, अलग अलग जगह जाके वो अलग अलग मैसेज देता है। और हम डिबेट कर सकते हैं कि भाई कौन सा मैसेज सबसे वैलिड है, कौन सा मैसेज आज के लिए ठीक होगा, कौन सा मैसेज आज के लिए ठीक नहीं होगा, या अगर सभी ठीक है कौन सा ठीक है भाई, ये डिबेट तो बनता है अलग ही से लेक्चर पे। और यही नहीं, जब वो अल्मोरा में जाता है शायद, आई डोंट नो अल्मोरा, हाँ शायद वो कलकत्ता के दूसरे स्पीच में और अल्मोरा के एक स्पीच तुमको में पता है कास्टिज्म को भी सपोर्ट करता है। हाँ स्वामी जी विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का सबसे फेमस डायलॉग क्या है तुमको पता है? सबसे फेमस, वर्ल्ड फेमस? उतना नहीं पता, बट बहुत सारे डायलॉग है। हाँ स्टॉप नहीं नॉट नहीं नो अंटिल यू वर्क, वो एक डायलॉग है उनका। नो 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 नो, उनका सबसे फेमस जो डायलॉग है ये बंगाल पे बहुत फेमस है, अच्छा जीबे पे कॉरे जी जोन बोधिशिष्य ईश्वर। मतलब उन्होंने लिखा है, जो व्यक्ति जीव प्रेम करता हो सो व्यक्ति वह भगवान तुल्य है, वह ईश्वर है। जो व्यक्ति जीवों को प्राणी को प्यार करते वह व्यक्ति क्या है? भगवान ईश्वर तुल्य है। तो सोचो कितना अच्छी बात बताया उन्होंने, सही है, बहुत ही हाँ खूबसूरत बात है। लेकिन हाँ उन्होंने दूसरा, उन्होंने एक और जगह पर बोला है, मेरे को मतलब भगवान मिलने, मतलब बलि देने से, मतलब नर बलि देने से मेरे को भगवान मिल जाए, मैं नर बलि भी दूंगा। सोचो मतलब नर बलि मिल अच्छा देने से, मतलब किसी इंसान को गला काट के भगवान के सामने, जिसको ये सैक्रिफाइस नरबलि की बात का बोला जाता रेफरेंस है, कहाँ पे है, ये मैं ये जानना चाहता हूँ, ये नरबलि की बात वाणी कहाँ है ये मैं रचना, जानना। हाँ वाणी ये रचना ना, वाणी बट रचना कौन सा वो, हाँ वाणी रचना का वो छह कौन सा नंबर बुक, पार्ट, 6 खंड 6 नंबर बुक। शायद। हाँ, अच्छा मतलब एक से बलि, दस, एक से दस, ये जो वाणी रचना है ना, 1 से लेकर 10 तक, एकदम दस्तक देता है भाई स्वामी जी को लेके, एकदम पूरा एकदम धोती फाड़ के रुमाल बनाने देने वाला भाई, कोई 1 से लेकर 10 तक पढ़ ले। अब तुमको पता है, तुम एकदम, बहुत सारे हिंदू को नहीं पता, स्वामी विवेकानंद ने ये डकैत, शिशुकामी, चाइल्ड अब्यूज करने वाला मोहम्मद को ईश्वर प्रेरित पुरुष बोला है। ये पुरुष है, ईश्वर हाँ, प्रेरित पुरुष। यस मैंने पढ़ा भाई, मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ के मैंने काले रुको बनने लग रुको रुको रुको, गया मेरे पास एक था। ऐप था, रामकृष्ण मठ का एक ऐप है, उसमें ये लिखा है स्वामी विवेकानंद व्यू ऑन जीसस बुद्धा जोरास्टर एंड मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद पे पढ़ा तो वो कहता है कि ही वाज ए इंस्पायर्ड मैन, और वो कहता है बट ही वाज नॉट ए ट्रेंड योगी, हेंस इस्लाम में फेनाटिसिज्म है। बट वो तो ये भी कहता है, बट हम देखेंगे अगर हदीस को पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, तो मोहम्मद जो है उससे बड़ा तो कोई फैजिस्ट डिक्टेटर है ही नहीं। 1400 साल पहले, 1400 साल पहले तो वो सबसे बड़ा डिक्टेटर है भाई, प्रोसिक्यूट करो करता है, ज्यूस को प्रोसिक्यूट करो, क्रिश्चियन को प्रोसिक्यूट करो, मतलब मैं नॉन पढ़ के बिलीवर्स भी, को मैं प्रोसिक्यूट हक्का करो, बक्कू रह गया भाई। आइडोलेटर्स को प्रोसिक्यूट करो, वो कहता है हाँ रेप भी करो, कहता है महिला, उनके नॉन मुस्लिम महिलाओं को अपना स्लेव भी बना लो, कहता है हर चीज कहता है भाई। इवन हदीस में लिखा है एनिमल सेक्स भी करो भाई। तो तुम क्या कहोगे भाई, एक ये बंदा जो ईश्वर से इंस्पायर्ड है और एक जेनोसाइडल मेनियक और साइकोपैथ में क्या अंतर रह जाता है, अगर तुम इससे ईश्वर से प्रेरित आदमी बताते हो, क्या अंतर रह जाता है भाई अगर आप ऐसे आदमी को ईश्वर प्रेरित बताओगे तो। हम तो गुरमीत राम रहीम हो या आसाराम हो या रामपाल हो, इन लोगों तक को हम नहीं मानते, इन लोगों को तो हम ओपनली कहते हैं क्रिमिनल है भाई, इनको जेल में होना चाहिए।
इवन जो नित्यानंद है वो भी ठीक है, सब तो क्रिमिनल है, लूट रहा है, हम तो इनको कहते हैं ये बंदा क्या है भाई, क्या है ये? तो खुद सोचो, या तो मैं समझ रहा हूं कि वो नहीं चाहता था कि मुस्लिम्स मोहम्मद की सच्चाई समझे, या फिर वो नहीं चाहता था कि मोहम्मद की अगर सच्चाई जान ले तो मेरे को लगता है लड़ाई सिर्फ ना पब्लिसिटी करे। के लिए ये बोला है। पब्लिसिटी एक और जगह मैं बताता हूँ, अल्मोरा कोलंबो टाल्मोरा के स्पीच में कहता है, वी विल विन द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम्स बाय बिल्डिंग देयर बाय मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस बाय बिल्डिंग चर्चेस एंड मॉस्क्स फॉर देम। वो ये भी कहता है भाई हिंदू उसको, तो तुम किसको सच मानोगे, कौन सा वैलिड है भाई? तुमको पता है और अगर स्वामी आप देखोगे विवेकानंद विश्व ने, हिंदू, आज अगर तुम तुमको देखोगे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड वाइड, वो तो विवेकानंद को बहुत मानते, पूछते हैं वी अरे सुनो ना, सेलिब्रेट ये इंडियन बात नेशनल तुमको नहीं यूथ पता डे ऑन होगा, 12 जनवरी। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता, ये राज की बात है। जैसे पकड़ लो पुरी का जगन्नाथ मंदिर में नॉन हिंदू बंदा घुस नहीं सकता, ये सभी को पता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है वाणी रचना 5 या 6 में शायद होगा, मैं भूल गया। ओके, तो उसमें बोला है पुरी का जगन्नाथ मंदिर कोई हिंदू मंदिर नहीं, ये मंदिर बौद्ध बुद्धिस्ट मार्ग की का, है। बौद्ध हाँ लोगों का है, बुद्धिस्ट टेम्पल बोला है हाँ उन्होंने। ये शायद अभी 10th बुक में आता होगा, 10th बुक वाणी होगा, रचना। क्योंकि अभी देखो अभी इसका उन्होंने हवाला दिया, क्या क्या हवाला दिया। हिंदू धर्म में कभी भी जो द्वार होता है वो तुम्हारा दक्षिण दिक पे होता है, दक्षिण दिक्पाला, सही है ना? लेकिन ये तो दक्षिण दिक पे नहीं है, तो ये कतई अच्छा हिंदू मंदिर नहीं हो सकता। और इसका क्षेत्र में बौद्ध आर्किटेक्ट बना हुआ है, बौद्ध हाँ आर्किटेक्ट, जैसे पकड़ हाँ लो और अशोक वो का जो चर्च लायन खड़ा। है वो तो बुद्धिस्ट है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ श्रीलंका फ्लैग। और दूसरा बात तुमको नहीं पता होगा शायद, बोला जाता है ठीक है, शायमन कमीशन का जितने भी रिपोर्ट आता है, पुरी का जगन्नाथ टेम्पल पे श्री महाप्रभु को पीट के मारा गया है, पीट पीट के उनको हत्या किया, कौन मर्डर, चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु को? मर्डर। यस यस बट इस्कॉन वाले तो कहते हैं कि वो अदृश्य हो गए, उन्होंने अपना नहीं, अवतार इस्कॉन वाले समाप्त नहीं, कर दिया, वो तो कृष्ण के अवतार थे। इस्कॉन तो यही कहता है ना, चैतन्य इस्कॉन वाले चरितामृत भी यही नहीं, कहता है, कृष्ण अवतार है वो। सारे ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे दावा है। लेकिन कुछ दिन पहले ही शायद 90s पे एक शव मिला है, एक डेड बॉडी बोल सकते हो, कंकाल मिला है 6 फुट का, उसको लेकर विवाद चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अभी चल रहा है उसका। अच्छा और जो वो उसका रिसर्च कंकाल कर रहा कितना था जो साल बंदा, पुराना है? उस 500 साल पुराना, अच्छा और उस कंकाल जो बंदा रिसर्च कर रहा था बंगाली, उसको मार दिया गया। ओके, इसका दावा ये आरएसएस वालों ने उनको हत्या की 90 के दशक पे उनको हत्या की। अभी इसको लेके काम कर रहा है डॉक्टर सुमित दे। ओके, मतलब इस राज को पर्दा, मतलब 500 साल का राज, इसको पर्दा हटाने के लिए सुमित दे काम कर रहा है। लेकिन सुमित दे को भी बहुत बार विश्व हिंदू परिषद आरएसएस से भी धमकियां मिल चुका है इस केस को बंद कर देने वो के क्यों लिए। धमकी दे रहा है भाई, धमकी क्यों दे रहा है? अरे नहीं है ना चैतन्य महाप्रभु का बॉडी, चैतन्य महाप्रभु जो होते गायब हो गए, मान लो बस बॉडी नहीं है तो डरने की बात क्या है भाई? और वैसे भी चैतन्य सुनो महाप्रभु भाई, का कोई रिलेटिव है क्या? सुनो डीएनए सुनो टेस्ट सुनो, करके आप पता कर लोगे आप? नहीं है अरे भाई उसका जो रिलेटिव है ना बांग्लादेश का सिलेट पे, वो बंदा बहुत जाति भेद ही करता है, ठीक है, बहुत कास्टिज्म को फॉलो करता है। चैतन्य महाप्रभु कास्टिज्म का अगेंस्ट था, इसका पोता लोग देखा जाए तो कास्टिज्म को सपोर्ट करता है। डिसेंडेंट्स? हाँ, भक्तिवादी आंदोलन का सबसे बड़ा चैतन्य महाप्रभु, बहुत देखा जाए चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो लड़ाई चालू किया था, वो शायद पुरी का जगन्नाथ मंदिर पे उनको खत्म किया गया। वो शायद हिडन बुद्धिस्ट थे या क्या थे, आई डोंट नो, बट आई डोंट नो, बट वो जो भी तो थे आई डोंट नो व्हाट थे, बट भाई मैं कह रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु का इस्कॉन के पास जाके अगर बोलोगे कोई नहीं मानेगा, ये बात ही एक्चुअली है पॉइंट।
इस्कॉन जो है ना वो चैतन्य महाप्रभु को ही मानता है एक मीडियम है जिससे आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आपको चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाना है, ये बातें कही जाती है इस्कॉन में। इस पर क्या कहोगे? सर्वप्रथम अभी इस लाश इस कंकाल को लेकर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रहा है, तो इसको लेकर मेरा कुछ ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। दूसरा, स्वामी विवेक उनको हेलो। लगता था, हाँ उनको मतलब विवेकानंद जी को लगता था, हाँ हो सकता है। हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर? हाँ 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 आई कैन हियर, अब बोलो। तो स्वामी विवेकानंद जी को लगता था चैतन्य महाप्रभु को वहां पर मारा गया है, लेकिन वो श्योर नहीं है, बस इतना ही लिखा है बाणी रचना 10 खंड पे। अच्छा, तो इसलिए विवेकानंद का जब बुक बनाते हैं ना, बहुत सारी बातें हटा देते हैं जो बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का नाम हाँ, बाणी नहीं रचना ले मेरे लाया पास बट पता चल गया है। हाँ सुनो सुनो सुनो, बाणी रचना मेरे पास बंगाली में है, अभी वो लोग बहुत कुछ कटछर कर दिया, ठीक है? नया बाणी रचना जो है ना, तुम पुराना वाले कलेक्ट करो, पुराना में बहुत कुछ मिलेगा, अभी नए में उतना कुछ नहीं मिलता। पुराना अजीब वाला इतना शायद ये डरता है स्वामी भाई। निखिलानंद का होगा, 1946 का शायद, हाँ, स्वामी निखिलानंद का। हाँ मेरे पास वही। जितने भी धर्म के मजहब की जितना भी किताब है, वो चाहे सत्यार प्रकाश बोलो या गीता बोलो, तो पूरा पुराना हेलो। हाँ बुक कलेक्ट करता हूँ क्योंकि नया बुक में उतना मजा नहीं है। हेलो, कैन यू हियर? या, सुन कैन रहा यू हूँ हियर? सुन। या आई कैन हियर, आई कैन हियर। हेलो, ओके हाँ हाँ सुन रहा हूँ, आई कैन तो हियर। ओके, तो मैं ओके, मैं पुराना बुक कलेक्ट करता हूँ, मुझे नया बुक में उतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना पुराना बुक पे होता है, उसके लिए मैं ज्यादा पैसे दे देता हूँ पुराना बुक के लिए, ठीक है? क्योंकि उसमें जो डिटेल्स होता है ना, एकदम विशुद्ध होता है, आर्य समाज जी का जो लैंग्वेज, विशुद्ध, ठीक है? एक चीज तो एकदम सुनाओ, शुद्ध प्योर और ट्रांसलेट विशुद्ध, होता है। इसका मीनिंग क्या है? शुद्ध मतलब प्योर, विशुद्ध मतलब इम्प्योर। तो जब वो कहता है विशुद्ध मनुस्मृति ना, तब भी नहीं, संस्कृत में उल्टा है, अच्छा उल्टा है। संस्कृत में उल्टा है, ओके 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 ओके, तो हिंदी में शायद ये संस्कृत उल्टा में विशुद्ध होगा। का मतलब, हाँ हिंदी में वही बोल रहा हूँ, संस्कृत अच्छा में विशुद्ध का मतलब कोई इसमें कोई मतलब कोई मतलब कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउटफुल नहीं, इसमें एकदम क्लियरली है, इसका विशुद्ध बोला गया संस्कृत पे, ठीक है? आज शुद्ध है ना, ये हिंदी वर्ड बोल सकते एक तरफा, जैसे बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, बस विशुद्ध पानी, विशुद्ध पानी। कैंट का यस शुद्ध शुद्ध पानी। देखो भाई, ये आपको पता है, नहीं, आपको पता है यहाँ पे अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही है, वो है कृष्ण जन्मभूमि, पता है आपने सुना होगा, मथुरा में। तो पहले बताओ छोड़ो तुमको क्या भाई, लगता है, क्या वो पहले जैन टेम्पल था, बुद्धिस्ट टेम्पल था, या वहां कुछ भी नहीं था बट बाद में बना दिया गया है कुछ, या मंदिर शायद जो भी था वो बाद में बना था 10th सेंचुरी में बट औरंगजेब ने वहां तोड़ दिया और बाद में बना? क्या मानते हैं, क्या ठीक लगता है? क्योंकि इतना तो पता है कि कनिष्क जो राजा था वहां के, उसके रिलेटेड बहुत मिलता है मथुरा में। उसका उसका कैपिटल था, दो कैपिटल था, एक तक्षशिला और मथुरा उसके एम्पायर का, ठीक है। और बहुत सारा बुद्धिस्ट भी मिलता है वहां पर, जैन का भी बहुत मिला है बहुत सारा चीज, और जो कृष्ण का है वो हो भी सकता है, आई डोंट नो, जो बाद में बना होगा 9th सेंचुरी या 10th सेंचुरी में, आई डोंट नो, ठीक है। या हो सकता है कुछ भी नहीं था, मतलब एक ऐसा ही एक एम्प्टी स्पेस था बट वहां बना दिया। क्या लगता है तुम्हें? वो लोग कहते हैं वो जेल था भाई कम्स का, जहां पे वो जन्मभूमि वो तोड़ा गया और वहां पे मॉस्क बना दिया इस औरंगजेब ने। ठीक है, मुसलमान तो भाई सर्वप्रथम एक बात, जाहिलियत करता ही रहता है सब जगह। हाँ सब जगह। हाँ, मैं कंप्लीट कर देता लेकिन हूँ। हम कह रहे हैं सर्वप्रथम मुस्लिम एक जो बात, है। सर्वप्रथम एक बात, कोई भी व्यक्ति जब किसी बात को जब दावा करता है,
उसका ऊपर क्या प्रमाण आधार है इसको हम देखते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न आता है कृष्ण कब था, सब हिंदू का एक ही जवाब, 5,000 साल पहले, 5,000 साल पहले। सही है, जब यस यस हम यस सभी को ही गए। सेपियंस, जब ओके जब हम सेपियंस किताब जब पढ़ते हैं ह्यूमन नो हबीब का, तो हमको पता चलता है आज से 12,000 साल पहले खेती बाड़ी का निर्माण हुआ इंसानी सभ्यता पे, आज से 12,000 साल पहले। उसके पहले कोई खेती बाड़ी नहीं होता था, इंसान शिकार करता था, ठीक है, एक टाइगर एक बाघ की तरह इंसान अपना जिंदगी उस समय रह मतलब रहती थी उस समय की जिंदगी। 12,000 साल पहले ये चेंज हो गया। 6,000 साल पहले तुम्हारा सिविल इंजीनियरिंग का निर्माण हुआ, मतलब नगर बनाना, नगर में रहना, सिविल इंजीनियरिंग, ईंटें बनाना, ठीक है। पर चलो मैं एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूँ, 7,000, 8,000, 7,000 दे देता हूँ बेनिफिट, चलो ठीक है। हाँ अभी देखो, अभी अभी देखो, 7,000 8,000 भी नहीं पूछे, क्यों? क्योंकि इंसान का जो हिस्ट्री है ना, सबसे मतलब एकदम प्योरली वो है 2,000 साल से, इंसान का जो हिस्ट्री है ना एकदम प्योरली एक्यूरेट मिलता है। लेकिन उसके पहले जो जितने में हिस्ट्री है ना, हम लोग बहुत मशक्कत करके उस हिस्ट्री को एकदम मतलब ढूंढना पड़ता है, कार्बन डेटिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि 2,000 साल पहले का हिस्ट्री हम लोगों को उतना अच्छा से नहीं मिलता, क्योंकि देखा जाए कागज के बाद ही हिस्ट्री को एकदम यूनाइटेड नेशन से एक छाड़ पत्र मिला। हाँ, इसको हम हिस्ट्री बोल सकते हैं, कागज के पहले नहीं। तो देखा जाए भाई, 6,000 साल पहले ह्यूमन नवाब है अपने किताब पे, 6,000 साल पहले सिविल इंजीनियरिंग का हवाला दिया, और 500 से 600 साल पहले तुम्हारा आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ। 500 से 600 साल पहले हाँ आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ, सोचो, उसके पहले कोई आधुनिक यस विज्ञान नहीं यस था, यस 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 ये तुम्हारा ये विज्ञान था। रेनेसांस न्यूटन का उन सब से यस हुआ। यस विज्ञान था, हाँ नहीं बहुत लोग समझेगा नहीं, विज्ञान था, विज्ञान तो था ही, सिविल इंजीनियरिंग हाँ बट स्टार्टिंग से विज्ञान इनोवेशन ही शुरू करना हो और गया नए था। आइडियाज लाना वो वहां से यस शुरू हुआ। हाँ यस 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 एकदम विज्ञान तो देखा जाए तुम्हारा तो। ग्रीक्स के पास भी था भाई, ग्रीक्स जो था, हाँ, अरिस्टोटल था, प्लेटो था, इन सब के पास भी था। बट आजकल ये लोग हम सुन रहे हैं आजकल, ये बताओ कनाड ऋषि बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं, चरक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं ये पिंगला बोलते हैं, जो पास्कल से 1,000 साल पहले एक ट्रायंगल इन्वेंट किया था, इसी ने इन्वेंट किया था, और बौद्ध ध्यान सुलभ सूत्र बौद्ध ध्यान ने लिखा था वो सब कुछ। तो तुम बताओ ये जो नामे आते हैं क्या है, ये फिक्शनल है या हिस्ट्री है, ये क्या है भाई? क्योंकि ये देखा मेरे को जाए, तो ये इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता नहीं है रेफरेंस, एक्सेप्ट जो बुक लिखे हैं इनके ऊपर, या एक ही जो जो बचा है बस। सुनो भाई, हाँ जैसे पकड़ लो मणिपुर का धर्म सना माहिज्म में ड्रैगन को माना जाता है, लेकिन ड्रैगन नाम का कोई प्राणी नहीं है पृथ्वी में, जैसे प्राणी की बात बोला जाता है, वैसे ही इस तरह का प्राणी जो है ना, ये आविष्कार किया, वो किया, वो किया, वास्तव में इनका कोई हिस्ट्री नहीं है देखा जाए तो। अभी पकड़ लो कैसे हिस्ट्री नहीं है मान लूंगे, तो अभी देखो जब अल्बोनी जब आया तो भारत का बहुत कुछ लेके गया, भारत के विषय में लिखा अपने इंडिका किताब पे, फिर इस इंडिका किताब को देख के उस समय का जितने भी लेखक था अपने किताब पे उसको जगा दिया, सही ना, इंडिका तो अभी नहीं मिलता। तो अभी देखो वहां पर जितने भी हम लोग को मिलता है उसमें तो सुश्रुत भी नहीं है, कनाद भी नहीं है, ये लोग कहाँ से आ गया। अभी देखो ये दयानंद हिंदू सरस्वती शास्त्र, के सत्यार्थ प्रकाश में मिलने को मिलता है सुश्रुत का सबका। हाँ यस 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 अभी देखो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ओके, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को हम लोग कभी भी हिंदू समाज से निकाल नहीं सकते, वो एक आचार्य था, हिंदू धर्म के बारे में काफी ज्ञान था, हिंदू दर्शन शास्त्र के बारे में बहुत ज्ञान था, ठीक है। वो अभी भी है? तो अच्छा आचार्य, हाँ अभी भी है आचार्य, ठीक है। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बोला है, जितने भी दावा आर्य समाज ने किया है सरासर एक तरफा देखा जाए झूठ है, उनका जितने भी लिखा हमको मिलता है, हम लोग को जब पढ़ेंगे ना तब हम लोग को पता चलेगा भाई आचार्य प्रफुल्ल चंद्र ने इन लोगों के बारे में कभी भी नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है प्राचीन भारत पे, इसको उनका जो ये सोच है ना, ये सोच को बेथुन साइंस सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेथुन साइंस सोसाइटी, उन्होंने अपने किताब पे इस बारे में अच्छे से लिखा है,
ठीक है, बंगाली में। लेकिन आचार्य प्रफुल्ल चंद्र ने अपनी किताब पे बोला है, ठीक है, क्या बोला है, यही प्राचीन भारत में जैन और बुद्धिस्ट लोग ज्ञान विज्ञान का चर्चे करते थे, बहुत अच्छी तरीके से करते थे। क्या ब्राह्मण नहीं करते थे? हाँ, ब्राह्मण भी करते थे, लेकिन कैसे धर्म के अंदर। करते थे? धर्म के अंदर रह के। जैसे पकड़ लो, उन्होंने बहुत सुंदर समझा है उनको। जैसे पकड़ लीजिए, एक हवन का जो बेदी जो काटा जाता है ना, हवन का, इसका जो माप होता है, एक्यूरेट होता है, पाई, पाई होता है ना, पाई, समझते हो? पाई का जो एक्यूरेट माप जो होता है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से एकदम निपुर, मतलब ग्रीक वाले भी हमसे पीछे था देखा जाए तो, एकदम ही निपुर ओ तरीके से ब्राह्मण लोगों ने इसको वेदों में ढाल लिया। फिर आता है ज्यामिति, मतलब वेदों का जो यज्ञ जो काटा जाता है, उसका जो ज्यामिति जो होता है ना, ये भी एकदम एक्यूरेट होता है देखा जाए आधुनिक समय में। ये एकदम चमत्कार है, ये कोई मतलब चमत्कार तो है, लेकिन ये कोई ज्यादा चमत्कार नहीं है, क्योंकि बौद्ध और केमिकल जैन को जब प्रोसेस। हम, यस, बौद्ध और जैन को जब हम लोग देखेंगे, तो बौद्ध जैन धर्म के अंदर करते तो इसको भी हम चमत्कार समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ब्राह्मण पहले पहले से ही इन लोगों ने लिखना स्टार्ट नहीं किया था, लिखना इन लोगों ने बाद में स्टार्ट किया। इन लोगों ने सिर्फ सुनते थे और बोलते थे, सुनते थे और बोलते थे। ये सुनने बोलने का जो प्रोसेस था ना, श्रुति और श्रुति, तो इससे इन लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। इन लोगों ने देखा बा हेलो। कैसे यज्ञ का वेदी काटा जा रहा है, कैसे एक लकड़ी को तोड़ के उसका दो उंगली, एक लकड़ी को तोड़ के दो उंगली से माप करके यज्ञ का वेदी बनाया जा रहा है, एक्सेट्रा। तो इसको सुनते सुनते बाद में इन लोगों ने जब स्क्रिप्ट करना जब स्टार्ट किया, जब लिखना जब स्टार्ट किया, तब जितने भी इन लोगों का जो दिमाग में जो था ना, मतलब गणित, मैथमेटिशियन, तुम्हारा पाई का हिसाब, तुम्हारा ज्यामिति, सब धर्म ग्रंथ में आ गया। लेकिन जो जैन और बौद्धिस्ट लोग थे, इन लोग तो सिर्फ सुनते या बोलते नहीं थे, इन लोग लिखते भी थे। तो इसलिए इन लोगों ने इनके अलग ज्यादा सा हम एविडेंस लोग का मिलते मिलता हैं। है, ज्यादा एविडेंस मिलता है। तो यह है प्राचीन भारत का वास्तव बनाम विज्ञान। इस विज्ञान को हम लोग को पकड़ के रखना है, उन्होंने समझा है, इस विज्ञान को हमको पकड़ के रखना है। आज कोई व्यक्ति आके बोलता है ये हुआ था उस समय, वो हुआ था, इससे क्या होता है? प्राचीन भारत का जो वास्तव जो विज्ञान है, जो वास्तव जो रसायन शास्त्र है, जो वास्तव जो मैथमेटिशियन एंड गणित एंड तुम्हारा जो महाकाश जो साइंस जिसको बोला जाता है खगोल विज्ञानी, ठीक है, विज्ञान, खगोल विज्ञान, इसको भी विकृत नहीं करना चाहिए। इससे करने से हमारा भारत का प्राचीन जो सच है, इसको देखा जाए गौरीकरण होने वाला है, इससे हमारा ही नुकसान होगा। मतलब कितना अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, मतलब जो है उसको, मतलब बहुत अच्छी तरीके से परोस के क्या कर रहे हो तुम, उस चीज को ही नष्ट कर दे रहे हो देखा जाए तो। मतलब जो चीज है उसको तुम नष्ट कर रहे हो। तो सोचो भाई, मतलब तुम सोचो भाई, यूरोप भी इसको पता नहीं था कैसे ग्लिसरीन और पोटेशियम से कैसे आग जलती थी, यूरोप को नहीं पता था, लेकिन भारत को पता था, वो लिख रहा है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। यूरोप को भी इसके तो बारे में पता नहीं था, जैन्स भारत बुद्धिस्ट को को, पता था इसके बारे में। हाँ एकदम ही, ओ ब्राह्मण लोग लोगों को डरा के दिखाते था, ये देखो मेरा सुपर नेचुरल पावर, कैसे ना आग, आग में पानी डाल के, मतलब यज्ञ वेदी में पानी डाल के कैसे आग जलाना। बहुत लोग इससे इंस्पायर होता था, भाई पंडित जी के हाथ में, गुरु जी के हाथ में कोई सुपर नेचुरल पावर हो, कोई अलौकिक चीज हो, लेकिन नहीं, ये तो साइंस था भारत का, प्राचीन भारत का, कैसे ग्रीसिन का अच्छा, इस्तेमाल, उन्होंने ग्लिसरीन हवाला और दिया, पोटेशियम डाल दो, आग जल जाएगा वहीं पे। हाँ, हाँ इससे विक्रिया होता है, जब रसायन केमिकल शास्त्र जब पढ़ोगे ना, रिएक्शन। यस यस यस, तो मतलब समझ लो प्राचीन भारत में हम लोग का जितने भी उस समय के जो लोग थे, चाहे मतलब ब्राह्मण हो या जैन हो बौद्धिस्ट हो, इन लोगों ने खोज कर लिया था, मतलब रसायन शास्त्र को इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से खोज किया था, सोचो। लेकिन आज के समय में भी, मतलब आचार्य प्रफुल्ल चंद्र जिस समय में थे, 1800 देखा जाए तो देखा जाए तो उस समय भी लोग, मतलब ये सब बाबा माता जी के बारे में मानता था,
कोई गांव में जाओ, बाबा जी एक यज्ञ का हवन कुंड बनाया, उसमें एकदम फूक मार के आग जला दिया, तो बहुत लोग एकदम अचंकित होके बोल मतलब भाई बाबा जी के अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर है, बाबा जी ने तो कोई इसे मचिस का कोई कोई आग का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ फूक मार के जला दिया। तो सोचो भाई, मतलब हम लोग तो एक चीज बताओ भाई, हजार मैं सालों मेरे को एक से चीज बताओ। अरे सुनो सुनो सुनो, रतन सा तुम प्रफुल्ला चंद्र राय का बता रहे हो, ये विज्ञान था, ठीक है। साइंस ऑलरेडी 118 एलिमेंट्स पता कर चुका है भाई, बहुत आगे निकल चुके। ये तो बहुत बेसिक चीज जो है ना आज के टाइम में। तो हम जो है, मैं कह रहा हूँ मॉडर्न साइंस से जो हम सीखते हैं वो बेसिक चीज तो ऑलरेडी मॉडर्न साइंस में भी उसमें पढ़ने से आ जाएगा सीखने के लिए, है ना। हेलो 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 हाँ हाँ बोलो सौराष्ट्र, बोलो बोलो। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ये जो पोटेशियम, ये जो हाँ रिएक्शन बोलो सब बोलो। बता रहे यस हो, यस ये सब तो चलो आज के मॉडर्न साइंस में भी है ना, मतलब चलो बेसिक में जब पढ़ाया जाता है स्कूल लेवल पे, ठीक है, उस समय शायद बड़ी बात होगी, बट स्कूल लेवल में आज जो पढ़ाया जाता है वो बेसिक्स केमिस्ट्री में आ जाता है आपका, जब आप 11th 12th पढ़ते हो, 10th या 9th पढ़ते हो, तो उस तुमको समय आ पता जाता है, है। अरे सुनो 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 सुनो, तुमको तो ये और सब तो भी मॉडल, अरे सुनो सुनो पूरी बात आचंकित सुन लो। होगा। ये सब तो मॉडर्न साइंस तुमको है ना, तो मॉडर्न आचंकित साइंस होगा। में भी ऑलरेडी बेसिक है, क्योंकि तुम उसको भी पढ़ रहे हो, तो क्या उन्होंने जरूरत उन्होंने रह और जाता भी है एक फिर चीज अभी बोला है। किसी भी धर्म शास्त्र को, रिलीजन को पढ़ने का, ये तो है ना सवाल बनता है ऑलरेडी। उन्होंने और भी एक हवाला दिया है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने ये हवाला दिया था 1930 में, ठीक है। उन्होंने हवाला दिया था कैसे पत्थर पानी में तैरता है, कैसे पत्थर पानी में तैरता है, वो मतलब एक स्पेशल सोच रहे टाइप का हो पत्थर है, इसमें। कार्बोनेट, जो एयर रिलीज करता है, प्रेशर लो होता है तो तैरने लगता है बस। उसके बारे में इन्होंने बोला है। तो अभी देखो भाई, मतलब उन्होंने मतलब आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने या मतलब इतना कुछ लिखा है, मतलब तुम पागल हो जाओगे भाई जब उनके बारे में पढ़ोगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको इतना भाव नहीं दे रहा है। जो भी हो, ब्रिटिश इंडिया पे उनको बहुत भाव दिया गया, देखा जाए तो उन्होंने बहुत काम किया बट भारत के उसके लिए। बाद जो गवर्नमेंट आया, कांग्रेस गवर्नमेंट है, वो क्यों नहीं दिया, ये सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं नहीं, उनका तो कांग्रेस तो मौत दोषी है। उनका तो मौत 1944 पे ही हो गया था, देहांत, ठीक हाँ हो गया तो, है बट उनके वर्क्स को तो पब्लिश करवाता पब्लिक में, इंपोर्टेंस भाई। देता उनके देखो वर्क्स को। भाई, देखो भाई, ना आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ना आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ना तुम्हारा मेघनाथ शाह, ना सत्यनाथ बोस, इनका किसी भी किताब को अभी रीप्रिंट नहीं किया जाता है, ठीक है। या तुम्हारा पकड़ लो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहु विवाह, हिंदू बहु विवाह, मतलब हिंदू भी, हिंदू में भी बहुत सारे शादी करने का जो प्रथा था ना, उसके बारे में किताब लिखा है तुम्हारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसको पूरा पब्लिश करेगा तो अभी भाई पूरा बवाल हो जाएगा, पूरा हाँ बवाल करो हो ना, कोई जाएगा। बात नहीं, बवाल होने दो, पढ़ने दो, क्यों नहीं पढ़े भाई लोग, पढ़ने दो, पता तो चले प्रॉब्लम क्या था और उसका सोल्यूशन कैसे आया, पता तो चलना चाहिए, पढ़ने दीजिए सबको। हाँ, कहीं हद तक मेरे को लगता है भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर नास्तिक थे, ठीक है, देखो क्योंकि वो देखो तो देखो जीसस देखो फ्रेंच, अरे सुनो, तुम्हारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में 1789 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस समय हुआ, ठीक है। उसके बाद तुम देखो, उसके बाद से लेके आज तक भी फ्रांस के स्कूल में उनकी हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था इसलिए हम सुधरे, उससे पहले हम जो थे जानवरों की तरह जी रहे थे, हमको स्लेव की तरह रखा जाता था, अंडर द चर्च अंडर द किंग, तो यहाँ पर भी वैसे ही करना चाहिए। ये सब नई रेवोल्यूशनरी टाइप बातें हैं, रेवोल्यूशनरी नहीं कहूंगा बट ये जरूर कहूंगा कि कुछ चेंज आया था, ये चेंज को समझना है ताकि हम फिर वो गलतियां ना कर बैठे। अब लोगों को यूं क्यों, यूं क्यों पढ़ाया जाता है भाई, हिटलर जो था यहूदियों हाँ को मारा था, क्यों पढ़ाया जाता है हॉलोकॉस्ट के बारे में स्कूल्स में, इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप दंगे ना करें, ताकि आप माइनॉरिटीज को अटैक भी ना करें, आप जो है वो डिक्टेटरशिप ना करें, फैशिज्म के रॉन्ग सिद्धांत कितने बुरे होते ये पता चले, इसलिए किया गया था। तो ये बातें हैं ना, इसलिए पढ़ाई जाती है। आप ये बताइए अभी स्टालिन देखो और माओ के बारे में क्यों उन्नीस पढ़ाया जाता है, वो दिखाया जाता है, अरे सुनो, दिखाया जाता है कम्युनिज्म का कितना बड़ा फॉल्ट है,
उसने भी कितने लोगों को जेनोसाइड किया है ये भी दिखाया गया है। तो ये सब समझने की बातें हैं, डिक्टेटरशिप डजंट वर्क, ये दिखाया गया है इनका इन हिस्ट्री के, इससे अगर स्टडी करें तो पता चलता है। अभी बहुत सारे भारतीय को नहीं पता, भारत में भी रेनेसा हुआ था। तो रेनेसा करने वाला बंगाल का जन्म रेनेसांस। 1809 में हुआ था। उनका नाम, यस यस, उनके नाम थे हेनरी लुई ड्रिजियो। ठीक है, 19 या 20 साल के उम्र में ही वो प्रोफेसर बन गया था कोलकाता पे। ठीक है, तो उनका फॉलोअर था राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हिंदू शास्त्र का पंडित रेफरेंट कृष्ण महन बैनर्जी, लेकिन धर्म से क्रिश्चियन था। ठीक है, क्यों क्रिश्चियन था इसके पीछे कहानी है, बहुत फेमस कहानी है। विद्यासागर का एक मूवी है, ठीक है, विद्यासागर बोल के एक मूवी है बंगाली पे। तो उधर थोड़ा सा हिंदी, तो आपका सॉरी रेफरेंट कृष्ण महन बैनर्जी का थोड़ा सा पार्ट है। उन्होंने मद्य संयोग पे गौ का मांस मतलब काउ मीट भक्कन किया था, मतलब खाया था, इसलिए उसको एकदम मार के भगा के एकदम हिंदू समाज से निकाल दिया, फिर वो क्रिश्चियन बन गया। सोचो, उन्होंने बोला है हिंदू शास्त्र में, हिंदू शास्त्र में प्राचीन शास्त्र महाभारत में आपका रामायण पे भी मांस खाने का विधान है। ठीक है, तो उस समय का बड़ा बड़ा पंडित का आश्रम में बड़ा बड़ा दाढ़ी वाला ऋषि आ जाते थे, उनके सत्कार के लिए गाय लाना था, गाय परोस देते थे। ठीक है, तो उस गाय परोसने का जो रीति पड़ा उसका नाम पड़ा था दगना, अतिथि के नाम मतलब सत्कार के लिए उस रिचुअल्स का नाम पड़ा था दगना। आप शायद तो विकिपीडिया कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता था अच्छा, अब दगना में, समझ में आया जैनिज्म बुद्धिज्म क्यों आया भाई। जो गाय था ना ये लोग मार के खा लेता था ब्राह्मण, ठीक है। अब जो खेती बाड़ी करते थे क्या था दगना ये, में, अरे सुनो सुनो सुनो, खेती बाड़ी करने जो हाँ, कैटल थे ना वो कम होने लग गए थे, तो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, जैनिज्म बुद्धिज्म उसका बाई प्रोडक्ट आया, कहा कि हम गाय को नहीं मारेंगे, किसी एनिमल को नहीं मारेंगे, ये हुआ है नहीं, हिस्टोरिकली दगना अगर। में क्या होता है, दगना में क्या होता है, किसी भी पंडित के सामने या आश्रम के ऋषि के सामने जब किसी भी जिंदा गाय को परोसा जाता है, जिंदा गाय को, वो ऋषि गाय को, हाँ जिंदा गाय को, ठीक है, क्योंकि उस ऋषि ए को ऐसा सुनो नहीं है, वो तो कहते हैं हिंदू जो है ना, वो सुनो सुनो जा सुनो सुनो सुनो, इस प्रथा में, इस प्रथा में दो तरफा होता है, पकड़ लो उसको मारना, मतलब गाय को दोपहर का खाना के लिए मारने के लिए एक जगह, अलग से जगह होता है, वेदों में लिखा है। लेकिन उस ऋषि उस गाय को छोड़ दिया तो क्या, उस गाय का मतलब जीवित हो गया उस दिन के लिए। ठीक है, लेकिन उस गाय को पकड़ लिया, पकड़ के बोला इसको, हाँ इसको सत्कार करो, इसको मेरे लिए पकाओ, तो उसके लिए उसको गाय को मारा जाता था। मतलब गाय को, मतलब गाय को, मतलब गाय को ना मारने का भी विधान है, मारने का भी विधान है, दो तरफा विधान है उस समय के लिए था दगना। मतलब पकड़ लो मैं तुम्हारा घर में गया, तुम मेरे को मतलब तुम कोई भी चीज पकाओगे तो मेरे को खाना ही पड़ेगा, सही है। लेकिन उस समय क्या होता था, मैं तुम्हारा घर में गया, तुम मेरे लिए क्या बनाओगे पहले उसका डिसाइड होगा, मैं डिसाइड करूंगा मैं क्या खाऊंगा। ठीक है, तुम डिसाइड नहीं करोगे, देखा जाए तो मैं डिसाइड करूंगा, मतलब मीट, मीट जो होता है ना, मीट के लिए मैं बोलूंगा भाई मैं क्या मीट खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, मैं शाकाहारी या मांसाहारी कुछ भी हो सकता हूँ, देखा जाए तो मैं हरिन का भी मांस खा सकता हूँ, या तुम्हारा बफेलो का भी खा सकता हूँ, या तुम्हारा हाथी का भी खा सकता हूँ, या तुम्हारा घोड़े का भी खा सकता हूँ, ये विधान क्या है। है ठीक भाई, है, अजीब है भाई, नहीं वेदों में लिखा है भाई, सुनने में। बट हस्ती ये कल अगर अच्छा, तुम लाइव में बोलते ना, ये देखो भाई कल हम लोग लाइव में बात कर रहे थे, तुम कमेंट देखोगे ना, कहते ये क्या कह रहे हैं, शुरू से समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुइज्म ऐसा है ही नहीं, ऐसा भी कह रहा है। अरे सौराष्ट्र दास जो है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा है ही नहीं, ऐसे कमेंट्स भी आए हैं। देखो भाई मैं जो भी बात बोला मैंने वही रेफरेंस दिया है, कौन कौन से ग्रंथ है उसके जाके गला पकड़ो, मेरा मत पकड़ो। ठीक है, जो व्यक्ति जो ग्रंथ लिखा है उसका गला पकड़ लो, उस पब्लिकेशन का नाक में दम कर दो,
ठीक है, पब्लिकेशन को अच्छे से जाके पीटो मारो, वो तुम्हारा आईन तुम्हारा कानून का प्रॉब्लम दूंगा, पुलिस पकड़ लेगा, मारोगे पीटोगे तो। लेकिन मैं जो लिखा मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। अभी देखो, दयानंद भाष्य वेदों में गाय गाय के मांस खाने का विधान नहीं है। उन्होंने क्या लिखा है, मतलब गाय का मांस की जगह लिखा है ये चावल है, मतलब ये ट्रांसलेट उनका, मतलब हाँ क्या हाँ हाँ ट्रांसलेट है हाँ उनका, हाँ ठीक राइस। है। हाँ, मतलब मधुपर्क का जो वर्ड है ना, मधुपर्क ये बोला जाता। हेलो 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 ओके, मधुपर्क जो वर्ड है ना, इस जगह इसको ट्रांसलेट किया क्या, मतलब मांस नहीं, मतलब मीट नहीं, चावल। लेकिन मैक्स मूलर ग्रीफिथ एंड शाइन भाष्य में ये आपका गाय के मांस है। ओ, मधुपर्क राइट। हेलो सुन रहे हो? या हेलो मधुपर्क, हाँ मधुपर्क मतलब मधु पर्क, मतलब इसमें क्या होता अच्छा था, इसमें गाय के मांस होता था, मधु होता था, दधी, दधी मतलब समझते हो ना, दही, दही। दही। अच्छा एंड घीता मतलब घी, ठीक, घीता मतलब घी, तो इसे बनाया जाता था। अच्छा अभी इसको कोई व्यक्ति खा, मतलब खाए खा भी सकता है, सूंघ के फेंक भी सकता है, शास्त्र में ये भी वर्णित है, फेंक भी सकते हो, ठीक है। मतलब तुमने इसका ग्रहण किया, मतलब सूंघ लिया, नाक से सूंघ लिया, तुमने इसका ग्रहण किया, ठीक है, क्योंकि शास्त्र में वर्णित है अतिथि देव भव, ठीक है, अतिथि देव भव। लेकिन अतिथि को परोसने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, तुम नीमक परोस दो, ठीक है, नीमक समझते हो ना, सॉल्ट, नीमक परोस अच्छा दो, अच्छा तो व्यक्ति क्या करेगा, नीमक को थोड़ा सा जीभ में चाट के बाद बाकी जो निमक है इसको पानी में बहा देगा, मतलब अतिथि सत्कार हुआ, ठीक है, मतलब बहुत तरह कौन सत्कार है भाई, गरीब है, बैठ गरीब है भाई, के इतना करेगा यार? हाँ गरीब थे भाई, देखा जाए अच्छा एक तो चीज गरीब क्या बताओ, करेगा। सुनो 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 यार सुनो, एक गाय ये सब जो है ना तुम्हें अजीब नहीं लगता? ये कोई ईरानियन टाइप ट्रेडिशन है? क्योंकि मैं सुनता हूँ ईरान में ना, ईरान में एंशंट ईरान में एक कल्ट हुआ करता था, एक रिलीजन था जिसे कहते थे मित्रैक वर्शिप। मित्रा जो है सोलार डेटी की पूजा करते थे। वेदों में भी मित्र का नाम आता है, वो भी सोलार सूरज से एसोसिएटेड है। मित्र सवित्र ये सब वेदों में आता है, ठीक है, सोलार से रिलेटेड है। तो ईरान में ना बलि देते थे बफेलोस का, बुल्स का भाई, बलि देते थे और उनको भी पका के खाते। तुमको नहीं लगता कि ऐसा ही कुछ है ये भी जो है ट्रेडिशन? जिस तरह से तुम कहते हो तो मधु डालते हैं हनी, तो ये जो पारसीज जो है नवरोज सेलिब्रेट करते हैं, ये लोग भी हनी उनी डालते हैं, मधु डालते हैं, दही डालता है और ये सब डाल के कुछ पका रहे यह हैं, मंत्र को तो देखो, तुम्हें अजीब नहीं लगता है सोच के एक यह बार? रिंग, हाँ अजीब तो बहुत कुछ है भाई, क्योंकि इस ये मंत्र को मुझे देखो, साउंड ये नहीं होता ऋग्वेद का कि मंत्र भाई ये है, ये शायन कोई, भाष्य है, तो टाइम हाँ टाइम पर, बट ये कोई साउंड नहीं होता कि भाई ये इंडिया में ऐसे हुआ होगा। ये ज्यादा ईरान से मिलता जुलता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये जिस तरह सा पद्धति है जो रिचुअल और ट्रेडिशन के साथ किया गया है ना ये बताने के लिए गाय का ये वो, तो ये ईरान से ज्यादा मिलता जुलता है भाई, इंडिया से कम। एग्रीकल्चरल अहूरा, हाँ, वो भी एग्रीकल्चर हाँ पे वो ही रिलाय तो है, वो तो करता है। था। हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जबकि अभी इसको तुम्हारा पढ़ो। जो ईरान है पर्शियन, अरे सुनो ईरान है ना पर्शियन, वो एग्रीकल्चर नहीं था, पास्टोरल था और वो प्लेटो रीजन था, ये था, इसको समझना है। वेद का इस मंत्र को फॉलो करो, वेद का क्या लिखा है, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेट भी दिया है, ठीक है, ऋग्वेद का मंत्र है, इन्होंने देखिए क्या ट्रांसलेट किया, पढ़ो। उष्णत्रायम वाषत्रयम सोम पृष्ठाय वेदसे
तो मेर विधो मग्न ये। अच्छा, लेट अस सर्व अग्नि विथ अवर हिम्स, डिस्पोजर फेड ऑन ऑक्स एंड कौ, हु बेयर्स द सोमा ऑन हिज बैक। ओके, तो तुम बताओ भाई, आज जो गौ रक्षा होता है उसके बारे में तुम क्या कहोगे भाई? आजकल इंडिया में गौ रक्षा का एक मतलब कैंपेनिंग चलता है, क्या कहोगे उस पे? हेलो हेलो। हाँ चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता भाई, चल सकता है भाई। हाँ, गौ के साथ साथ बट जो गौ गौ रक्षा करता का है, इंसान गौ की भी रक्षा रक्षा कर करता लेना है, हिंदू धर्म मानता है, आर्य समाज भी हिंदू धर्म और भाई। गौ रक्षा को मानता है, तो क्या उन्हें ये पता है जो ये श्लोक इंसान की बता रहे रक्षा भी हो कर तुम? लेना भाई। ये इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, ये भी देख लेना, एक श्लोक है आई भाई। अच्छा ट्रांसलेट मेरे को गला, मेरा मत गला पकड़ना सर्वप्रथम। ये ट्रांसलेट का नाम दिया हुआ है, इसको जाकर पकड़ो। सूर्यायम बहुतः प्रज्ञात सविता यामावासूजत आगर्सूहन्यन्ते गौर्जुनयोः पर्यात। अरे भाई, ये जो प्रोनाउंसिएशन है मुझे तो अवेस्टर्न लैंग्वेज लग रहा है भाई। अच्छा, द ब्राइडल पॉम्प ऑफ हाँ सूर्या। हाँ, यस यस, द अवेस्टर्न ब्राइडल, लैंग्वेज है ये। हाँ ये प्रोनाउंसिएशन और वर्ड जो बना है, ये अवेस्टर्न का स्ट्रक्चर बहुत मिलता है भाई, पर्शियन का। हाँ, द ब्राइडल पॉम्प ऑफ सूर्या विच सवितार स्टार्टेड मूव्ड अलॉन्ग इन मागा डेस आर ऑक्सन स्लेन इन अर्जु अर्जुरीस दे वेड द ब्राइड। भाई ये ईरानियन ट्रेडिशन है भाई, ईरान से उठा के लाया है, वहां पे चलता था ये। ऑक्स मेरे को को पता नहीं, स्लेन मेरे करना, ये को भाई माघ में, ये माघ महीना इंग्लिश में क्या होता है भाई, क्या बता सकते हो तुम? अगस्त होता है क्या? नहीं पता। मैं देखता हूँ, रुको, क्योंकि ये मैं सुना हूँ भाई बहुत, ये ईरान का मैंने रिसर्च किया है वो। रुको रुको, अच्छा ये फ़रवरी मार्च, हाँ माघ मास, हाँ फ़रवरी मार्च, ठीक है रुको। हाँ इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इस ट्रांसलेट को पढ़ो, ये यजुर्वेद का है। ऑन द फुल मून, फुल मून का अर्थ होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग कंप्लीट वाइट, ठीक है। द सोमा इज प्रेस्ड फॉर गॉड ड्यूरिंग दिस हाफ मंथ, इट इज प्रेस्ड फॉर फॉर देम एंड अ काउ फॉर मित्रा, मित्रा मित्रा, यस। एंड वरुणा इज टू बी स्लॉटर्ड फॉर देम एट न्यून मून, इन दैट ही सैक्रिफाइसेस ऑन द डे बिफोर ही मेक्स द सैक्रिफिशियल इनक्लोजर, इन दैट ही ड्राइव्स अवे द काफ्स, ही मेट्स आउट द सीट एंड द ऑब्लेशन होल्डर, इन दैट ही सैक्रिफाइसेस ही प्रोड्यूसेस विद द गॉड्स प्रेसिंग डे, ही ड्रिंक्स फॉर हाफ मंथ सोमा इन कैरोस विद द गॉड्स, इन दैट ही सैक्रिफाइसेस। अरे बाप रे भाई, भाई भाई मैं कह रहा हूँ ना, ये इंडिया का हो ही नहीं सकता, ये ईरान का है भाई, ईरान से उठाया गया है। और कल आगे बता रहा था, ईरानियन सॉरी आर्यन इन्वेजन माइग्रेशन नहीं हुआ तो कैसे पॉसिबल है? हुआ है, तभी तो ये ईरानियन ट्रेडिशन इंडिया में भी घुसा है। हेलो नवरोज, नवरोज, नवरोज ये होता है भाई तुम्हारा। हेलो, हाँ, क्या बोलो? अभी इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, द्वितीया, ये द्वितीया मंत्र, द्वितीया ट्रांसलेट, द्वितीया ट्रांसलेट पढ़ो, अच्छा, एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग कौ, ही इसको शुड पढ़ो। ऑफर ऑन वन पॉट शेड टू मित्रा एंड वरुणा, दिस करस्पॉन्ड्स टू हिज फोर्स कौ विच इज टू बी स्लॉटर्ड, हिज ऑफरिंग इज अच्छा, हिस इज ऑन वन पॉट शर्ड फॉर ही कैनॉट ऑब्टेन द एनिमल बाई मीन्स ऑफ पॉट शर्ड
कृष्ण यजुर्वेद तैतीर संहिता 229 ट्रांसलेटेड बाय कीथ। अबे भाई ये फॉरेन ऑथर को दे रहे हैं ना, तो उनको बोल देना भाई उनके जाकर गला पकड़ लो। अरे लोग कहते हैं नहीं, हिंदी से ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हाँ ये ग्रीफिथ का ट्रांसलेट है, ये ग्रीफिथ वाला अथर, ट्रांसलेट। अच्छा अथर्ववेद का 14:1-13 द ब्राइडल पॉम्प ऑफ सूर्या स्विच सवितार स्टार्टेड मूव्ड अलॉन्ग इन द माघा डे सारॉक्सन स्लेन इन फाल्गुनीज दे वेड द ब्राइड। ये मैरिज के टाइम में शायद सैक्रिफाइसेस की बातें हो रही है। लेकिन सच बताऊं, ये जो सेक्रीफाइस का जो बात बोला जा रहा है ना, ये सेक्रीफाइस भी चोरी कर लिया भाई ये ट्राइबल लोगों से, आदिवासी लोगों से। वो चाहे गाय अच्छा हो इंसान हो, सेक्रीफाइस था सिर्फ होता था मतलब ब्लूरिशियन में। यूरेशियन में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं होता था, चाहे बोलो तुम अब्राहमिक रिलीजन बोलो, इस्लाम बोलो, क्रिश्चियनिटी बोलो, हिंदुइज्म बोलो, सेक्रीफाइस इस सारे मजहब में नहीं था। ये चोरी किया है, ठीक है, कॉपी किया है बोल सकते हो आदिवासी लोगों से, नहीं, मेरा जो होता था स्टडी है। यार। अच्छा ये जो यूरेशियन स्टेप्स है ना, वो लोग तो कहते हैं हॉर्स सैक्रिफाइस होता था। इंडो यूरोपियंस जो होते थे, ये हॉर्स सैक्रिफाइस सिर्फ इंडिया में नहीं था, ये रोमन में भी था, और ये जो कुछ हद तक ग्रीस में भी था, ईरान में भी था, और ये क्या कहते हैं तुम्हारा लेकिन भाई एंग्लो सैक्सन उनमें भी था। जितने भी आदिवासी कल्चर मिलता है, आदिवासी मैनुस्क्रिप्ट मिलता है, उधर ज्यादातर सेक्रीफाइस के बाद सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओ फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल। तो ये जो आग से जो कह रहे हैं ना, ट्राइबल जो है वो कौन से ट्राइबल थे? इंडिया के ट्राइबल नेटिव ट्राइबल थे या ईरान से आए हुए नेटिव ट्राइबल थे? ये भी प्रश्न उठता है, क्योंकि ऐसे सैक्रिफाइसेस ईरान में भी पाए गए हैं। ये कॉमन हुआ करते थे, बेबीलोन और मेसोपोटामिया में भी कॉमन होते थे। अभी वहां का राजा तो शेर को भी अभी मार के खाता था तुमने जो भाई। हाँ तुमने अभी जो ट्रांसलेट पढ़ा, ये भी दूसरा ट्रांसलेट है। ये तुलसी राम आचार्य का ट्रांसलेट है, भारत का फेमस ट्रांसलेटर। अच्छा ब्राइडल प्रोसेशन ऑफ सूर्य प्रोसीड्स विद सवितार हर फादर स्टार्ट्स द बुलॉक्स आर मेड टू मूव इन माघ नक्षत्र एंड द ब्राइड इज इंड्यूस्ड इनटू ग्रूम्स होम। अरे यहाँ तो भाई क्या एस्ट्रोनॉमी सब जोड़ दिया इधर उधर। यहाँ पे तो सैक्रिफाइस का बात नहीं है यहाँ पे इस ट्रांसलेशन में। अभी मैं तुमको और चीज दिखाऊं, बात कर रहा था ना उस समय, मतलब कुछ देर पहले बृहदारण्य उपनिषद का, तुम्हारा शंकर भाष्य का बात हो हाँ रहा था हाँ ना, चलो लिखा ला दिया मैंने। यार, श्लोक तो बड़ा है बट मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। ही हु विशेज दैट सन शुड बी बॉर्न टू हिम हु वुड बी अ रिप्यूटेड स्कॉलर फ्रीक्वेंटिंग द असेंबलीज एंड स्पीकिंग डिलाइटफुल वर्ड वुड स्टडी ऑल द वेदास एंड अटेन अ फुल टर्म ऑफ लाइफ शुड हैव राइस कुक्ड विद मीट ऑफ विगोरस बुल और वन मोर एडवांस इन ईयर। अच्छा अरे एक और चीज बताओ भाई, ये बुल सैक्रिफाइस मेरे को पता है भाई, ईरान का है भाई, तुम्हें मैं लिंक भी भेज दूंगा। ये ईरान का है, वो करता था भाई, ये मित्रा के पढ़ो, पूरा लिए पढ़ो कल्ट भाई, होता था। ये सेकंड है, ये इसको पढ़ो, ये अच्छा खत्म नहीं हुआ है, विदिता इसको पढ़ो। रिप्यूटेड लिटरली मीन्स वेरियसली प्रेस फ्रीक्वेंटिंग द असेंबली सेलोक्वेंट फॉर स्कॉलरशिप हैज बीन सेपरेटली मेंशन डिलाइटफुल लिट प्लेजेंट टू हियर वर्ड्स दैट आर चास्ट एंड प्रेग्नेंट विद मीनिंग राइस कुक्ड टुगेदर विथ मीट। बिरयानी बिरयानी पका रहा है इधर। रईस कुक क्या है ये? रईस कुक टुगेदर विथ मीट द मीट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दैट ऑफ ए विगरस बुल एबल टू ब्रीड और वन मोर एडवांस्ड इन ईयर्स। किसका है? स्वामी माधवानंद। मैं मारना बिरयानी मत, पका रहा है, बुल बिरयानी, माधवानंद मारना मारना मत बुल भाई किसी बिरयानी। को। यस, जय माधवानंद की जय, बोलो जय माधवानंद। ये अरे बृहदारण्य यार उपनिषद का ट्रांसलेट किया है, माधव माधवानंद ये शंकर भाष्य है, ठीक है। अच्छा, अरे बाप रे, भाई ऐसे तो सब कोई पागल हो जाएगा भाई, जो हम जो ये देखेगा असली लाइव यूट्यूब में। गुलजार भाई का चैनल में अभी छिड़ा हुआ है,
वो लोग तो भाई मास रिपोर्टिंग करके बंद कर देगा भाई, ये देखते। अवेस्ता पड़ेगा अभी, अवेस्ता दो, अवेस्ता का रेफरेंस हाँ, दो भाई, पड़ेगा। एक्चुअली मैं उसी में इंटरेस्टेड हूँ ज्यादा भाई। ईरान में बहुत कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ। अरे ये लो हाँ, अवेस्ता। ऑफर अप स्पीतमा, जानते हो क्या है ये जोरास्ट्रियन, जरातुष्ट्र जो था ना जोरास्टर, उसका फैमिली नेम है स्पीतमा, ठीक है। ओके, और ये अवेस्ता का पितामा, रेफरेंस है। स्पीतमा पितामा, कुछ समझ में आया रेफरेंस? हाँ हाँ अच्छा पता ठीक है। 36, ऑफर अप ए सैक्रिफाइस ऑफ स्पीतमा ये जरातुष्ट्रा अवेस्ता का। अंटू अर्धवी यस सुरा अनहिता, अर्धवी सुरा अनहिता 37 टू हर डेड केरेस्पा द मैनली हार्टेड, द मैनली हार्टेड ऑफर अप ए सैक्रिफाइस बिहाइंड द वेरी पेशानहा विथ 100 मेल हॉर्सेस, 1,000 ऑक्सन, 10,000 लैम्स। क्या क्या भाई, इतना पका के खा सकता है क्या कोई? और भी दूं, और चाहिए, और देखो चाहिए भाई, बोलो। भाई मैं तो पता था, मुझे मेरे को पता था ईरान में तो होता था, क्योंकि वो प्लाटो रीजन में पास्टोरल एग्रीकल्चरल सोसाइटी तो नहीं था, इतना पता है। हाँ यस सेकंड, हंड्रेड, चलो आ गया। ये अच्छा। ऑफर अप ए सैक्रिफाइस ओ स्पीतमा जरातुस्त्रा अन टू द स्प्रिंग ऑफ माइन अर्धवी सुरा अनहिता, अर्धवी सुरा अनहिता, अच्छा 108 आता है। अन टू हर डिड द टाल कावी वितस्पा, ये शायद किंग होगा। ऑफर अप ए सैक्रिफाइस बिहाइंड लेक फ्रजदानवा विथ 100 मेल हॉर्सेस, 1,000 ऑक्सन, 10,000 लैम्स। मतलब सीक्वेंस एक ही है, 100 मेल हॉर्सेस, 1,000 ऑक्सन, 10,000 लैम्स, स्टैंडर्ड सेम है लेकिन भाई इधर। लेकिन एक बात याद रखना, वेदों में तुम्हारा पुरुष गाय को खाने के लिए विधान दिया है, लेकिन नारियों को नहीं। मतलब दयानंद सरस्वती इसमें एग्री है, मतलब पकड़ लो जो हिंद, क्या बालों के नीचे हिंदू धर्म, उस किताब में भी हवाला दिया है। मतलब नारियों को हत्या नहीं किया जाता था, पुरुष को किया जाता, क्योंकि नारियों को कमजोर बोला जाता था देखा जाए। अच्छा, यहाँ लेकिन टेन इसमें नहीं थाउजेंड है। लैम्स आता है। यस यस यस, हाँ तो सोचो भाई क्या है। क्या कहते हो भाई, मेरे को लगता है मारियन माइग्रेशन तो सच लग रहा है भाई, बहुत सारा चीज उधर। प्रैक्टिस जो था ना, देखो देखो, प्रैक्टिस जो था वो वहीं से आया, बट चेंज हो गया यहाँ पे दूसरे तरीके से, क्या कहते हो? प्रैक्टिस तो वही था, ये सब यूरेशियन ही है ना, इंडो यूरोपियन, इंडो और ईरानियन, ये कह सकते हो। पता नहीं हेलो, भाई क्या है, क्या नहीं, है, पूरा ज्योतिबा खिचड़ी बना के फुले, रखा है। ज्योतिबा देखो, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी में कहते हैं कि भाई वेद जो है वो ईरानियन ने लिखा है, ईरानियन से आया है, वहां से आया है, ज्योतिबा फुले कहता है गुलामगिरी में। और वो कहता है ये जो दशावतार की कहानी है कुछ नहीं है, बस ये सिर्फ नेटिव ट्राइब्स को कैप्चर करने का है उसमें, और कुछ नहीं है। तो क्या कहोगे इस पे तुम्हारा? मैंने तो कह दिया कि भाई ये तो कॉपी पेस्ट लगता है भाई, जो इसने एंशियंट ईरान से उठाया है प्रैक्टिसेस को, बट यहाँ आके उसे मॉडिफाई कर दिया। मतलब फीमेल को नहीं दिया गया बट मेल को दिया गया बलि, और ये इन्फ्लुएंस हो सकता है क्योंकि इंडिया जो था शायद उस समय शायद वो मैट्रियार्कल सोसाइटी था, इसलिए क्या पता उसका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि इंडस वाली सिविलाइजेशन में कोई ऐसा मिलता नहीं है जो एविडेंस जो ये प्रूव करे कि वो पेट्रियार्कल था। तो हो सकता है चांसेस कि ये मैट्रियार्कल सोसाइटी था उस समय, बट इन लोगों के आने की वजह से वो पेट्रियार्कल भी बना, बट मॉडिफाई भी कर दिया थोड़ा अपने आप को सूटेबल करने के लिए। क्या कहोगे? ये आप अपोस्पायन गिहा सूत्र है, ठीक है, अच्छा, ऑन द अपोपस्ता फॉलोइंग गिहा डे ही सूत्र। टचेस ए काउ विद अ दरबा ब्लेड। अच्छा, ये मजे वाली बात है, विद दरबा ब्लेड ये यू आठ का 22 है, ट्वर्ल्स।
कल भी बोल रहा था 8 का 22 है ये, 8 का 22 है अष्टपहन क्रिया अच्छा, सूत्र। आई टच थी अग्रीएबल टू द फादर सर्विंग साइलेंटली ऑफर्ड 5 अज्ञ ओब्लेशंस एंड हैविंग कुक्ड द ओमेंटम ऑफ ब्रैकेट में काउ दिया है एंड परफॉर्म्ड द स्प्रेडिंग अंडर एंड स्प्रिंकलिंग ओवर ऑफ आज्ञा ही सैक्रिफाइसेस विथ नेक्स्ट विथ ए पलासा लीफ फ्रॉम द मिडल और एंड आपस्तंभा गृह सूत्रा पताल सेक्शन। बट यहाँ पे ना जो ये देखो भाई, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर तुम इन हिंदुओं को आर्ग्यूमेंट करोगे ना, वो तो कह देगा सीधा सीधा कौ तो ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब हो सकता है कौ था ही नहीं, तो कौ सैक्रिफाइस नहीं माना जा सकता, तो क्या कहोगे उसके लिए? उसके लिए सेकंड रेफरेंस में तैयार कर रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा मिनट पेस्ट करने दो भाई, बहुत लंबा लंबा है। कॉपी बुक से कॉपी तुम उठाना अमीना सरदार से बात करोगे? हरामी दीन में वैसे भी तुम हो, बात करो उससे, हिंदुइज्म पे उसको भी दो भाई, उसको उतना पता नहीं है बट हाँ शेयर जरूर करना भाई। अच्छा आपस्तंभ भाई। गृह सूत्र, हाँ 5:13 शोज दैट काउस वर स्लॉटर्ड इन मधुपर्क। मधुपर्क मतलब वो जो है फूड काऊ का। द होस्ट अनाउंसेस द काऊ विद द वर्ड द काऊ After the guest has recited the next over the cow, the host cools its omentum and having performed the spreading under and the sprinkling over, he sacrifices it with the next with a palasa leaf from middle or the end. The guest chooses to let loose his. तुम्हें पता है ज्यूविश जो पीपल है ना, यहूदी पीपल, कॉशर फूड जो होता है ना, वो पढ़ लोग भी लिया इसको, काटता पढ़ो है धीरे धीरे कैटल्स को और 17 नंबर शीप्स पढ़ो, को भाई। अच्छा 17 पढ़ो, इट 17। गेस्ट चूजेस टू लेट द काउ लूज, ही मर्मर्स द नेक्स्ट इन अ लो वॉइस एंड सेस लाउडली ओम लेट इट लूज। समझे कुछ मैंने जो बता रहा था? हाँ हाँ काउ सैक्रिफाइस होता था, गेस्ट आके अब इसको डिसाइड पढ़ो, करता था क्या खाना है। अठारह पढ़ो। He recites the next in a low voice over the food which is announced to him instead of cow and say loudly, Om, make it ready. मुझे लगता है कॉशर टाइप का एक दे रहा है भाई फूड, यहूदी में मैं जानता हूं, मुझे पता है वो लोग 19 पढ़ो, कैटल एंड 19, 19, 19। फॉर इस टीचर फॉर ए ऋत्विग फॉर हिज फादर इन लॉ फॉर ए किंग ही ऑट टू परफॉर्म दिस एज ऑफन एज द विजिट हिज हाउस इफ एटलीस्ट 1 ईयर हैज एलैप्स्ड। ओ मैन। अरे सुनो सौराष्ट्र, मैं पूछ रहा हूँ, तुमको लगता है ये थोड़ा बहुत ज्यू से भी मिलता जुलता है उनका कॉशर फूड जो है उससे? मेरा पता नहीं, 20 नंबर देखो, 20 20 वाला देखो अभी। अच्छा, फॉर अ रेनाउंड टीचर ऑफ वेदा द सेरेमनी शुड बी परफॉर्म्ड वंस। ओ मैन ओ मैन, दिखाओ, बहुत तो है मेरे पास हिंदुइज्म ऐसा। पीसफुल तो नहीं है ठीक भाई, है, हिंदुइज्म इज नॉट अभी इसको एनवायरमेंटल पढ़ो, छोटा फ्रेंडली सा भाई। छोटा सा। गोविल गृह सूत्र ट्रांसलेटेड भाई, क्या बताओ भाई, और कितना है भाई रेफरेंस? बहुत है भाई, बहुत। मतलब जितने भी गृह सूत्र है ना, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है, गृह सूत्र है ना, तुम जब पढ़ोगे तुमको पता चल जाएगा। मतलब काय काऊ के छोड़ने की बात ही भी बोला गया, खाने के बाद बोला गया है, देखा जाए तो। ओ ठीक है, तुमको नहीं लगता ये थोड़ा पागलपन एक है? मिनट नहीं भाई, मतलब क्या है यार, अजीब है।
कुछ अजीब नहीं है मेरे लिए, और भी दिखा रहा क्यों? हूं। एक ओ मैन, मिनट बट जा रहा हाँ, है। जो हिंदू होगा उसके लिए तो ये ना 500 किलो वोल्ट्स का झटका होगा भाई, मानो या ना मानो। वो एक बंदा पागल की तरह बात कर रहा था ना, वो ऐसा लग रहा था इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा है भाई पहली बार उसको दिखा दिखा के श्लोक का। इसको पढ़ो इसको। द इमेज ऑफ द ईयर तेरे सुनता है, आफ्टर ये सैक्रिफाइस कट्स ऑफ थनेसर फ्रॉम द फूड एंड फ्रॉम पीसेस ऑफ मीट एंड मिक्सिंग देम टैरिफाइड बटर ही मेक्स एन ऑब्लेशन तो अग्नि काव्य स्थान शिष्टकृत स्वाहा अडोरेशन। ओ माय गॉड भाई भाई भाई, बस यार बहुत हो गया आज के लिए, इतना तो रेफरेंस अगर देखते जाएंगे तो नेवर एंडिंग होगा भाई। मतलब भाई इतना तो पता है कि हेलो, ये एनिमल फ्रेंडली भी नहीं है, ये लोग कहता है एनिमल फ्रेंडली है। देखो हमारे देवी देवता जो है एनिमल में बैठ के जाता है, हम ट्रीज ये को देखो पूछते हैं। लास्ट अच्छा, ऑन द लास्ट फॉलोइंग डे ही रेफरेंस। प्रिपेयर्स फूड फॉर फादर्स विद रेस्ट ऑफ द मीट एंड सैक्रिफाइसेस विद टोसेस थाउ अग्नि आर्ट क्विक प्रजापति। ओ मैन, तो तुम एक चीज बताओ भाई, हिंदू लोग आज कहता है हमारा जो वे ऑफ लिविंग है हिंदुइज्म है वो बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, नेचर फ्रेंडली है, हमारे देवी देवता एनिमल्स को यूज करता है वाहन के तौर पे और हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, बट यहाँ पे तो कुछ और ही दिखाया जा रहा है, एनिमल्स को मारने है और उसको खाने की भी आते बातें आ रही है, क्या कहोगे भाई उसके लिए? बोलो, हेलो, क्या कहोगे अभी इसके देखो, लिए? मैंने अभी हिंसा दिखाया, अभी अहिंसा भी दिखाना चाहिए, नहीं तो हाँ ठीक है, लेकिन मैंने अभी हिंसा दिखाया कैसे खाना होना चाहिए। अभी देखो, अब निषेध मतलब गौ को मांस ना खाने का निषेध का मैं रेफरेंस देता हूँ, मतलब डबल स्टैंडर्ड तो है ही, ठीक है, फिर भी मैं दे रहा हूँ क्योंकि जो सच है मैं उसको सबके सामने लाता हूँ। ये देखो, पढ़ो इसको, द फ्लैश ऑफ ये टू निषेध के बाद फिफ्टी बोला गया। अच्छा ऑफ वन पोजर बोथ द होल हाफ ऑन फैब्रिकेटेड हुप्स एज वेल एज द टर्फ अलविनाज डाइवर क्रेन तथा स्वाइन वर्ल्ड शैडो लेग्स आर रेड टुगेदर विद फ्लैश ऑफ शैल नेवर बी कौ एंड बुल्लॉक शैल नेवर बी ईटन। नाम क्या है? गौतम संहिता। अच्छा, ये बुद्धिज्म से लिया गया है पक्का होगा, मॉडिफाई किया उसने बाद में। अरे तुमको हाँ बताओ मतलब भाई, ऐसा ऐसा विष्णु वंश, विष्णु तुम संहिता में भी है, विष्णु संहिता 50 अध्याय में, मतलब 50 अध्याय पे भी निषेध के लिए बोला गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे संहिता पे भी निषेध का बोला गया, ठीक है। तो भाई देखो, हिंदू धर्म में दो धर्मवाद है, तुम खाओ भी ना खाओ भी, जैसे कुरान पे तुम शराब पियो भी ना पियो भी, दो कर सकते हो, ऐसे ही हिंदू धर्म में भी है, दो तरफा डबल स्टैंडर्ड वाली बातें। भाई अभी मेरे को समझाओ, क्या भगवान है सर्वप्रथम? इतने सारा इतना कुछ है, भगवान है ना इंसान है भाई? भगवान हो ही नहीं सकता, ये इंसान है भाई, इंसान ऐसा सोच सकता है? इंसान ह्यूमन बीइंग कैन थिंक लाइक दिस, उसके लिए भगवान की क्या जरूरत है भाई? ये तो कॉमन सेंस है, जब सब कुछ जो है भगवान की सोचने के बजाय इंसान ऐसा सोच सकता है तो भगवान की क्या तुमको जरूरत है? पता है, मेरे को ट्रिपिटॉक में भी गौ मांस के लिए खाने का विधान मिला है, तुमको हाँ पता हाँ है? मिला है, हाँ, वो है आलोचना विधि, वो है कुक्ड आलोचना कुक्ड विधि, कुक्ड, रॉ नहीं खाना है, आलोचना कुक्ड खाना विधि, है, कुक्ड हाँ खाना है, आलोचना रॉ विधि नहीं पे खाना बोला है। गया, हाँ, वही बुद्धिज्म आलोचना विधि के में जो ना, है ना, बुद्धिज्म में मतलब मीट जो जिक्र है है। आप जो है कुक करके खाएंगे, रॉ नहीं खाएंगे भाई। और दलाई लामा जो बोला है वो बोला है कि अगर सड़ता है ना, अगर खाने के लिए ना मारा जाए बट अगर वो ऐसे मर गया और सड़ रहा है तो तुम खा सकते हो भाई, ये आता है बुद्धिज्म में। हाँ ये है,
अजीब है यार। तो तुम क्या कहोगे भाई खत्म नहीं होगा भाई, चीजों खत्म को? खत्म नहीं होगा, अच्छा खत्म नहीं होगा। अच्छा तुम एक चीज सुनो, अगर कोई हिंदू डिबेट करने आता है तो ये तो दिखा दोगे तुम, तो उसके बाद तुम कहोगे कि भाई अभी भी तुम हिंदू बन के ही रहोगे, क्या बन के रहोगे भाई? उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा भाई? छोड़ दे वो, या वो अंबेडकर को भी पढ़े, कुछ देखो अच्छे भाई, बुक्स पढ़ ले ये सब पढ़ने के बजाय। सर्वप्रथम मैं एक ही बात बोलता हूँ, खाने का कोई मजहब नहीं होता, खाने पीने का कोई मजहब नहीं होता। एक हिंदू गौ मांस खाए या ना खाए उससे कुछ नहीं जाता, ठीक है, वो उसका मर्जी है। वो गौ का मांस खाए या सुअर का खाए वो उसका मर्जी है, या तुम्हारा मेंढक का मांस खाए, ठीक है, उसका रुचि होना चाहिए, वो खा के उस चीज को पचा सके, उल्टी ना कर दे, यह देखना चाहिए, ठीक है, बस इतना ही। हाँ हाँ, अभी देखो ये भाई, बात करेक्ट है, ये बात मैं करेक्ट है। मेरा को तुम ठीक से सांप के मांस, बेंडा का मांस ठीक से पका दो, मैं खा सकता हूँ, लेकिन खाने लायक होना चाहिए। अभी इस खाने से मेरे उल्टी हो जाए या तबीयत खराब हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। पकड़ लो तुम मेरे लिए चिकन बना रहे हो, उसमें बहुत सारे तुमने नमक डाल दिया भाई, भाई मेरा तो तबीयत खराब होगा ना चिकन से भी। हाँ, तो खाने यस। खाने मजेदार होना चाहिए, बस इतना ही। एक बंदा है मो टेक्सा यूएस, ठीक है, उस बंदे को ये दिखाओ भाई, वो बहुत जानता है, वो डॉक्टर है, कह सकते हो वो डॉक्टर है एक्चुअली। तो इमेजिन करो कितना मीट खा सकता है कोई, स्पेशली वो अवेस्टा का जो तुमने दिखाया था। मतलब हद है यार। तो मुझे लगता है ये जो आइडिया है एनिमल करने का सैक्रिफाइस, अच्छा एक चीज बताओ, इंडस सिविलाइजेशन में एनिमल सैक्रिफाइस होते थे? अभी कुछ रिसेंट बातें आई है कि वो बफेलो मीट भी खाते थे, ये बातें भी आई है, हालांकि कोई बताएगा नहीं, बट मैं बता रहा हूँ, एक पेपर के अनुसार आया था। सर्वप्रथम सच बोलूं, मेरे को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि जो बात ओके ओके, मैं अच्छा नहीं जानता, ठीक है, तुम मैं जो सर्च बात करो, क्योंकि मेरे को एक न्यूज लिंक भैया, मिला था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं न्यूज़ लिंक के ऊपर विश्वास नहीं करता सर्वप्रथम, मैं ऑफिशियल पेपर के ऊपर विश्वास करता हूँ। न्यूज़ लिंक में क्या बोल रहा है वो मैं नहीं मानता। क्यों भाई? क्योंकि मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ, ठीक है, मेरे को पता है क्या अच्छा। दावा होता है क्या दावा नहीं होता, तो न्यूज़ लिंक से मैं दूर रहता हूँ, ठीक है। तो भाई मेरे को जितना पता होता है मैं बोल देता हूँ भाई, इस विषय पे मेरे को पता है, उस विषय के बारे में मेरे को पता नहीं, मैं उस विषय में मैं जानकारी लूंगा, फिर आपसे उस विषय पे मैं बात करूंगा। अभी तो उस विषय एक पे मेरे को कंक्लूजन कोई हो बात नहीं जाता है, करना, मैं बोल देता हूँ जब डायरेक्ट। ये सब, हाँ, जब ये सब इतना कुछ लिखा है भाई, व्हाई टू वेस्ट 50 60 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। एक साइंस जर्नी के डिबेट में तो वैदिक बंदा बोल रहा था कि भाई तुम जो है, आपको 50 60 ईयर लगेंगे, आपको साल भर पढ़ना होगा अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो भाई अगर अच्छे तरीके से बुढ़ापा आ जाएगा, उससे बेटर है कि मैं कुछ और ही पढ़ लूँ जो प्रैक्टिकल है, अच्छा है, मैं उसको पढ़ के आगे बढ़ भाई जाऊँ, भाई भाई वही बेटर है। भाई, इसलिए तो सुनो, साल भर पढ़ने के लिए लग जाएगा, वो होता है संस्कृत, ठीक है, और इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी पे भी है, ठीक है, साल भर में पढ़ने मतलब लग जाओगे, वो है तुम्हारा अरबी में तर्जुमे में एंड तुम्हारा संस्कृत तर्जुमा पे, ठीक है। लेकिन इतना कुछ करने का जरूरत नहीं, जितने भी भाष्यकार है ना, वो चाहे कोई भी समाज से, उनके ट्रांसलेट देखो भाई, क्या इतना दिमाग दर्द करने का क्या जरूरत है? ट्रांसलेट करो ना भाई, ट्रांसलेट वाले को गर्दन पकड़ लो भाई, तुम ट्रांसलेट वाले मतलब कुछ गड़बड़ी करे भाई, ट्रांसलेट वाले को पकड़ लो गर्दन। अभी देखो, मैं प्रभु गीता का जब बात आता है, मैं कभी भी गीता प्रेस का नहीं लेता, मैं प्रभुपाद का ले लेता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि प्रभुपाद का जो ट्रांसलेट है ये वो एकदम एक्यूरेट बहुत है। कट्टर टाइप है, एक्यूरेट हो भाई क्या हो मेरे को पता नहीं, ये डेंजर ट्रांसलेट है, ठीक है, एकदम ही ओपनली बोलता है, ठीक है, डराता है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। जब वेदों में नास्तिक का जब कत्ल का बात आएगा, तब मैं आर्य समाजी का उठा लूंगा, तब मैं मैक्स मुलर या शायन या ग्रिफिथ का मैं छूंगा ही नहीं, मेरे को देखना ही नहीं उस तरफ, मैं तब आर्य समाजी का देखूंगा, एकदम पैर पकड़ लूंगा आर्य समाजी का, भाई तेरा वेद ये मेरे को चाहिए, ठीक है। जब गाय का मांस खाने वाला जब विधान आएगा, तब मैं भाई ग्रिफिथ, मैं शायन, मैक्स मुलर लूंगा। क्यों और भाई? क्यों वोट, भाई? हाँ हाँ क्यों, क्या ये ऐसा सब ही है। है, ठीक है। और तुम्हारा ये शंकराचार्य जो था, क्या वो मांस खाता था? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य,
पता क्या नहीं मेरे लगता को, है? अच्छा पता नहीं भाई मेरे को, पढ़ा नहीं पता नहीं, ठीक है, तुम क्योंकि बता, उल्टा तुम एक चीज उल्टा बताओ उल्टा भाई, ये जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो भी है उपनिषद का, ये आदि शंकराचार्य ने उसका टीचिंग फैलाया, तुमको लगता है वो बंदा का जो भी एंसेस्ट्री है वो एंटिक्विटी में, वो कहीं ना कहीं बाहर से आता है? क्योंकि वो एक तरह का मोनोथियज्म बन जाता है, टाइप का, एक अलग ही टाइप का मोनोथियज्म, क्लोज टू अब्राहमिक। भगवत गीता का वो 18 चैप्टर का 66 श्लोक होता है, उठाओगे तो वो अब्राहमिक बन जाता है। क्या कहोगे भाई इसका? बहुत कंफ्यूजन है, हाँ तो कंफ्यूजन है ना, ठीक है, इसी को क्योंकि तो डबल क्लैरिफाई भी स्टैंडर्ड करना बातें है सबसे ना। ज्यादा पाया जाता है हिंदू धर्म एंड क्रिश्चियन में, ये हिंदू और क्रिश्चियन में हाँ पाया जाता है, मैंने जितना स्टडी किया है, इस्लाम में कम है, इस्लाम में लॉजिकल फैलेसी सबसे ज्यादा होता है, इस्लाम में लॉजिकल फैलेसी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जब डबल स्टैंडर्ड, इस्लाम में भी है डबल स्टैंडर्ड बातें, इस्लाम पे भी है, लेकिन लॉजिकल फैलेसी सबसे ज्यादा होता है इस्लाम में, ये बहुत सबको नहीं कॉन्ट्रडिक्शंस। पता लॉजिकल फैलेसी हो। हाँ, ठीक है, जिसको तुम बोल सकते हो तकिया, जिसको तुम बोल तकिया, सकते हो हाँ तकिया, ठीक है, अल तकिया, अल तकिया हाँ जिसको बोल सकते हो, यस, लेकिन लेकिन क्रिश्चियनिटी में, अरे सनातन में सबसे ज्यादा पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड बातें, सबसे ज्यादा, मतलब पकड़ लो एक डब एक एक बात को दो तरफा से नहीं, मतलब पकड़ लो मैं आज दिल्ली पे हूँ, ऐसी बात बहुत सारे ग्रंथों में, मैं आज मुंबई पे हूँ, मैं आज कोलकाता पे हूँ, मैं आज चेन्नई पे हूँ, लेकिन आज का ही दिन है, आज के दिन में मैं कितना जगह पे हूँ सोचो, मैं आज कोलकाता पे हूँ, मैं आज मणिपुर पे हूँ, मैं आज अमेरिका पे हूँ, लेकिन आज के दिन में हूँ, मतलब सोचो भाई, इतना डबल स्टैंडर्ड बात करता है हिंदुइज्म, वैसे ही बात करता है क्रिश्चियनिटी पे भी, मैं आज जेरूसलम पे हूँ, मैं आज पैलेस्तान में हूँ, मैं आज अक्सा पे हूँ, तो क्या है? तुमको पता हाँ, है ये क्या क्योंकि बोलते हैं? अरे तुमको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में होता है भाई ये कॉन्सेप्ट, पैरेलल वर्ल्ड। तुम यहाँ भी हो, भले ही तुम दिखता ना हो दूसरे साइड पर, बट वहां भी बैठे हो तुम, ऐसा है। वैसा टाइप बातें बता रहा है अरे भाई इधर। हाँ अरे भाई, वैसे ही ना, जैसे पकड़ लो आपका धृतराष्ट्र के साथ संजय जैसे विष्णु का महाअवतार का दर्शन कर रहा है, एक साथ कितना लोग दर्शन कर रहा है भाई, हाँ फिल्म लगा क्या भाई, फुकट का फिल्म लगा है दर्शन कर अरे रहे हो, तुमको पता है उस समय सैटेलाइट था? नहीं पता है अजीब तुमको? है भाई, अरे सैटेलाइट था भाई उस समय, सैटेलाइट इंटरनेट था भाई, देख अरे लिया सोचो भाई, उसने। अरे सोचो, त्रिपुरा अरे का सोचो, सीएम बताता अरे है, हम सोचो, नहीं बता अर्जुन रहे ने भाई, ऐसा, त्रिपुरा का सीएम बता रहा है भाई। और ठीक है भाई, अभी देखो अर्जुन ने ऐसा प्राणी को देख लिया, उसके देखने से उसने इतना डरा, इतना डरा क्या बताए, मतलब इतना डर गया था बेचारा बंदा, एक बच्ची इतना डर गया था, सोचो भाई कौन सा कैसा प्राणी प्राणी होगा देख लिया भाई। भाई अर्जुन ने? वो महाभारत कुरुक्षेत्र के बारे में? सोचो भाई, हाँ, महा महाप्रलय अवतार, महाविश्व अवतार, महाभयंकर अवतार, विश्वरूप, महापागल विश्वरूप अवतार, अवतार अजीब है कहता है भाई। भाई इस्कॉन, ये हाँ वाला। अच्छा अमोघ लीला प्रभु के बारे में अरे बात भाई करते हैं सोचो भाई। भाई, इस विश्व, अरे इस एक बात तुमको याद रखना चाहिए, इस जो अवतार में है ना, इस अवतार में कर्ण भी है, इस अवतार में मतलब तुम्हारा शत्रु पक्ष भी है, मित्र पक्ष में है, सब काल की क्रिया में विलीन हो रहा है, तो मतलब क्या, कृष्ण समझाना चाहता है मैं अन्याय करने वाले पे भी हूँ, मैं अन्याय सहने वाले पे भी हूँ, यही मेरा लीला है देखा जाए तो, तो क्या कर ले अजीब है भाई, ना। अन्याय कर रहा है हम भी चुप रह ले भाई, अन्याय करने वाले वा वैसे भी कृष्ण है, कोई बात नहीं भाई, प्रभु कर लो अन्याय, और मैं भी सह रहा हूँ हाँ ना, इसलिए तुम्हारा भगवान भी सह रहा अद्वैतवाद है, में, गुड। क्या है अद्वैतवाद, भाई, इसकी वजह से हमारा देश अद्वैतवाद में, इन्वेडर से आ रहा है भाई, इस कॉन्सेप्ट से तो कोई भी हाँ राजा नपुंसक बन जाएगा। महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करेगा क्या, हजार लाखों बार हाँ करेगा, माँ बहन छोटा रहेगा बस, अगर ऐसा एटीट्यूड रहा तो भाई, माँ बहन करता रहेगा सबका, अरबियों का, अगर ऐसा एटीट्यूड, ऐसा इसको, शास्त्र का मंत्र हो तो भाई। तो हाँ, उससे बेटर तो इसलिए तुम्हारा यही अद्वैतवाद फिलॉसफी ठीक है, चार्वाक में बोला फिलॉसफी गया, ठीक है जगत भाई, मिथ्या प्रैक्टिकल ब्रह्म बनो। सत्ता, ठीक ही तो है ना।
ब्रह्म सत्य तो जगत में क्या? वास्तववादी बनो, हाँ लॉजिकल बनो। हाँ ब्रह्म सत्य जगत में क्या? तुम जानते हो ब्राह्मण में ब्रह्म है, भाई अब्राहम में भाई ब्रह्म अभी देख लो, है, अरे अभी सुना, देख लो, अब्राहम में ब्रह्म है, सुनो ब्राह्मण सुनो में सुनो, ब्रह्म है, इब्राहिम में ब्रह्म है, क्यों है भाई? कोई सोचा है आज तक? क्यों है? सोचो। भाई आज तक मैं देखता नहीं, छोड़ो भाई। एक बात बोलता हूँ, एक बात बोलता हूँ, बहुत क्लियरली बात है। ये जो अद्वैतवाद का जो फिलोसफी है, वेदों का एक तरफा भाग है, वेद का अलग से पार्ट है देखा जाए, वेद का अलग अलग पार्ट है देखा जाए तो, ये वैष्णविज्म या तुम्हारा शाक्त शैव, ठीक है, तो ये दुनिया झूठ है, झूठ है। तो भाई इस दुनिया पे हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये कैसा बात है? इस दुनिया झूठ झूठ है होती भाई। तो श्री कृष्ण, सुनो ना, इस दुनिया झूठ होती तो श्री कृष्ण कभी भी नहीं बोलता यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अबुद्धम या धर्मस्य तदा तुम्हारे स्यजाम्यहम्। जब जब पाप का घर बढ़ जाएगा, नहीं, जब जब ब्राह्मण, मतलब मेरा जो ट्रांसलेट है, जब जब ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म आपका, जब जब ब्राह्मण अपने मतलब अत्याचार के चरम सीमा पे होगा, मैं तब तब अवतार लेके ब्राह्मणों को मुक्ति दूंगा, मेरे को लगता है। हाँ, क्योंकि तो इसमें जो भाई साधु ब्राह्मणवाद पुरुष का एक होता है ना, पोप वो खड़ी, है ब्राह्मण भाई, ब्राह्मण साधु पुरुष, और कोई नहीं लगता है। ये ऋषि, ये जानते हो, नहीं ये एक साधु सिंधु बात, उस ये यस्टरडे जो एक एथनिक हिंदू जाके कह रहा था ना, वो ऋषि में और ब्राह्मण में ही कंफ्यूज था भाई। शूद्र ऋषि बन सकता है बट ब्राह्मण अरे नहीं। भाई ऑल सुनो ब्राह्मण सुनो, आर मैं तो खड़े, रिशीज बट ऑल रिशीज आर अरे नॉट भाई मैंने ब्राह्मण्स, मैंने ये है सुनो भाई सुनो, सिद्धांत। सुनो सुनो, मैं तो रेफरेंस दे रहा हूँ ना, मैं तो जितने गृह सूत्र है ना, असरल गृह सूत्र, ठीक, गौतम गृह सूत्र, ठीक है, जितने भी है ना गृह सूत्र है, मैं उसका रेफरेंस दे सकता हूँ, मेरे पास है इतना सारा, मैंने अभी कुछ देर पहले इतना सारा गृह सूत्र से उठा के दिया हवाला। तो अभी देखो भाई, ब्राह्मण जो होता है ये ब्रह्म का अवतार होता है, ब्राह्मण क्या होता है, देवता होता है, लेकिन एक शूद्र क्या होता है, एक शूद्र आचार्य होता है, ऋषि होता है, एक तरफा देखा जाए पीएचडी किया हुआ स्कॉलर। अभी देखो बहुत लोग पढ़ाई करते हैं अभी विद्यालय पे, तो भाई एक विद्यालय पे, एक कॉलेज पे एक शूद्र भी प्रोफेसर बन सकता है, एक ब्राह्मण भी बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही पढ़ाई किया है, बस इतना ही भाई, पढ़ाई, ब्राह्मण कोई पढ़ाई नहीं है, ब्राह्मण एक क्वालिफिकेशन है देखा जाए तो, कोई पढ़ाई नहीं है उसे, उसको पढ़ाई करके उसको नहीं पाया जा सकता, क्यों, उसको पाया जा सकता है अपना कर्म से, कौन से कर्म, पिछले जन्म में तुम ब्राह्मण हो, अरे इस यार जन्म ये में तुम सब ब्राह्मण, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं बता रहा हूँ, पहले हजार, मैं भी खुद ब्राह्मण परिवार से, तो मैं बता रहा हूँ, 1000 साल पहले ये कॉन्सेप्ट ठीक थी, अब नहीं ठीक है भाई, निकाल फेंको इन कॉन्सेप्ट्स को यार, पूरा बकवास, अभी बट देखो अभी देखो अभी इसका कोई देखो, जरूरत ही मैं नहीं है। ब्राह्मण हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं ब्राह्मण हूँ, इसका क्या प्रमाण है, कोई मेरे को प्रूफ मांगे, मैं कैसे प्रूफ करूँ, कैसे प्रूफ करूँ, क्या भाई जनेऊ नौ दिखाओगे? धागे का, वो जो नौ धागे का सुतली होता है, बस वही एक प्रमाण हो सकता है। बस वही। अरे यार तुम जो है एक तरह का सोसाइटी में सेकंड क्लास वर्सेस फर्स्ट अभी क्लास देखो अभी सिटीजनशिप कर रहे देखो हो भाई। अभी अभी किसी बंदे को मैं पूछ, मतलब पकड़ के बोल दूं, भाई तू हिंदू हो तू प्रूफ कर, तू मुस्लिम हो तू प्रूफ कर, क्या होगा प्रूफ, उसका लुली चेक करे, उसका पेनिस देखे भाई कटा हुआ कि नहीं कटा, तो ये भी एक टैग है, ये भी एक धार्मिक लोगों का सबसे पागलपन की टैग है, मुसलमान होगा तो उसको खतना करके उसका लुली काटा जाएगा, ऊपर का चमड़ा काटा जाएगा, हिंदू होगा तो नहीं काटा जाएगा, अजीब है भाई, क्या क्या संसार पाया हमने, अरे भाई क्या संसार पाया, ये सिर्फ मुस्लिम में भी नहीं, जुदाइज्म में भी है। जुदाइज्म में सबसे ज्यादा है भाई सरकमसीजन, लुली फोर्स के निकालो भाई। बट वो इस्लाम में फीमेल खतना जो है सबसे डेंजरस है, वर्स्ट है भाई, पता है तुमको? फीमेल खतना। होता है क्या है यार ये बकवास चीज है भाई, निकाल फेंक भाई।
मैं कह रहा हूं ना, अफ्रीका में अगर होता, अफ्रीका। मैं अगर जेएनयू यूनिवर्सिटी में होता ना, अभी जितने भी बुक्स दिए प्लस कुरान हदीस बाइबल और वो क्या बोलते हैं तनाक, उन सबको एक जगह डाल देता और उस पे वो केरोसिन भी डाल देता मैं, और क्या कहते हैं ऑयल भी डाल देता और उसको जला देता भाई वहीं पे, बक निकाल फेंक ही सबको, बकवास कहीं पे। चलो भाई कल जलाएंगे, बहुत बहुत लंबा लाइव हो गया, इसको फिर डाउनलोड भी करना। चलो वैसे बाय, भी फिर हम वर्चुअली जला रहे हैं, कल। ऐसे वर्चुअल तरीके से मानसिक तौर पे इन लोगों को जला रहे हैं भाई, जो देखेगा वो जलेगा, इसको मतलब वो जल रहा है ना माइंड में, हाँ वही है। वो एक ट्वेंटी तरीके से फर्स्ट और जल रहा 25 दिसंबर पे मैं मनुस्मृति जला के चाय बनाता हूँ, चाय खाता हूँ। है। हाँ ओके पियो पियो, खूब एंजॉय करो। अरे यार तुम वो वीडियो बना के अरमिन नवाबी को भेजो भाई, बोला अरे बकवास है, कौन मानता है इन सबको, किताब को मान लिया भाई। ठीक और इन है, लोग को ओके बाय। प्रॉब्लम क्यों होता है भाई, अगर भाई एक चीज बोलना है मेरे लाइव को खत्म लास्ट करता में, हूँ। ओके ओके एक चीज ओके, बोलना है बोलो लास्ट बोलो बोलो। में, ये लोग बोलता है हिंदुइज्म में कोई बुक ही नहीं है भाई, तो ठीक है हिंदुइज्म का कोई बुक जलाता है उसका मजाक उड़ाते हैं, तो तुमको क्यों मिर्ची लगती है भाई, कोई बुक नहीं है ना हिंदुइज्म का, तुमको क्यों मिर्ची लगती है भाई बताओ। नहीं, उनको मजा आएगा कुरान बाइबल जलाने से। ओके तो मिर्ची नहीं लगना चाहिए ना, तुम खुद कहते हो कोई बुक सही नहीं हिंदुइज्म नहीं, का। सुनो 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 सुनो, अरविंद नवाबी जब कुरान को फाड़ के थूक के फाड़ के जब फाड़ता है, तब इनका जल जाता है। ओके सेक्सी काली ने, सिर्फ एक फोटो सेक्सी काली ने पूरे हिंदू धर्म हिंदू समाज को डोल मटोल कर दिया भाई, एक फोटो ने डोल मटोल कर दिया। अरे भाई क्या है भाई, कोई इंटेलेक्चुअल चीज की नाम है क्या, तुम्हें डिबेट कर लेते उससे, बुला देते भाई तुमने फोटो क्यों डाला, ऐसा क्यों है भाई, तुम्हें काली के बारे में नहीं पता है कुछ भी, तुम क्यों डाले हो, ऐसा कह देते भाई, इंटेलेक्चुअल डिबेट करते, चलो आओ ऐसा आप देते हो इंस्टेड ऑफ गाली देने के बजाय। तुमको पता है ये अरविंद नावी के साथ ये हादसा होने के बाद ही तुम्हारा जितने भी थे, पकड़ लो अरविंद, तुम्हारा ये तुम्हारा सॉरी हारिस सुल्तानिया, गालिब कमाल, ये लोग भी हिंदू धर्म लेके क्रिटिसाइज करने लगे। उसके पहले ऐसा नहीं था हाँ हाँ तो अब तुम जो है ना पब्लिक भाई, में पूरा हिंदुइज्म को ट्विटर। हिंदू हिंदुइज्म का जो नेगेटिव साइड है तुमने खुद पब्लिसिटी कर दिया भाई उसका, एंजॉय योर शो। अब कंगना ओके रनौत गुड को नाइट। क्या हाँ कंगना रनौत को क्या, लाइव एंड कर दो बस, कंटिन्यू करेंगे बात को आगे, लाइव को एंड कर दो भाई। हाँ ये हो रहा है करके हो रहा है हो बात रहा है। है हो रहा है, 1 मिनट।